हेलो स्टूडेंट, तो हम लोग आज देखने जा रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट। कल आपने देखा था ईएमआई, अब ईएमआई और एसी दोनों मिला के टेस्ट से आपको जो प्रॉब्लम मिलेंगे वो प्रैक्टिस करना। अल्टरनेटिंग करंट बहुत आसान टॉपिक है, ठीक है ना। इसमें से जो नीट के अंदर प्रॉब्लम आया हुआ है वो मैंने रखे हुए हैं प्रैक्टिस के लिए। बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, ये भी आपका थ्योरी कम प्रॉब्लम वाला चैप्टर ज़्यादा है, इसलिए अगेन प्रॉब्लम की जितनी अच्छी प्रैक्टिस चैप्टर उतना अच्छा ग्रिप में आ जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो इंटीग्रेशन से बचाता हूँ, ठीक है ना। इंटीग्रेशन में बच्चे कई बार दुखी हो जाते हैं और ये पहला टाइप का जो रिजल्ट है ये, इसमें हम लोग कुछ चीज़ें याद करके मोर ओवर इंटीग्रेशन से बच जाएंगे। तो इंटीग्रेशन आपको जनरली स्पेशल फंक्शंस में नहीं लगाना पड़ेगा। तो हम लोग देखेंगे पहले एवरेज और आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। अब इसके अंदर चार तरीके के अल्टरनेटिंग करंट होते हैं। अल्टरनेटिंग करंट मतलब वो करंट जो अपनी पोलैरिटी को चेंज करे। तो पहला ये साइनोसोइडल, साइन या कॉस फंक्शन वाला करंट, ठीक है ना। तो ये दोनों आगे दोनों अपनी पोलैरिटी को चेंज करते चले जा रहे हैं, जैसे ये हर हाफ साइकिल के बाद अपनी पोलैरिटी को चेंज कर लेता है। ये 1/4 के बाद है, तो 0 से 1/4 तक पॉजिटिव है, फिर 1/4 से 3/4 तक फिर नेगेटिव है, फिर अगले में ये पॉजिटिव है। तो साइन और कॉस ये पीरियोडिक फंक्शंस हो गए। अब यहाँ पर आता है सॉटूथ। सॉटूथ वाला जो करंट होता है ये कुछ इस तरीके का zigzag टाइप का करंट का स्ट्रक्चर चलता है, पॉजिटिव नेगेटिव एंड अप टू सो ऑन। इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर करंट। तो ये चार तरीके का अल्टरनेटिंग करंट होता है, जिसमें हमारा पहला सवाल एवरेज और आरएमएस वैल्यू का फंसता है, जिसमें स्टूडेंट इंटीग्रेशन करता रहता है और हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको दिखाता हूँ बिना इंटीग्रेशन के हम कैसे इसके प्रॉब्लम्स को लगाते हैं। तो देखो, तो हमें पहले एवरेज वैल्यू निकालनी है। इन चार के अलावा अगर कोई इक्वेशन टाइप मिलता है तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, फिर कोई रास्ता नहीं है, फिर करना ही पड़ेगा, वो तो कर लेंगे। बट एवरेज करंट निकालने का जो जनरल फॉर्मूला है वो ये है कि जहाँ से जहाँ तक एवरेज निकालना है वहाँ से वहाँ तक इंटीग्रल आई डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रल डी टी करो। इंटीग्रल आई डी टी का मतलब होता है एरिया ऑफ आई टी ग्राफ डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। अब जैसे ट्राइंगल है तो वहाँ एरिया निकालना पॉसिबल है, सर्कल है वहाँ एरिया निकालना पॉसिबल है, साइन और कॉस में एरिया निकालना पॉसिबल नहीं है, तो इंटीग्रेशन करना पड़ता है। अब वो करके मैंने यहाँ पर ये चार्ट तैयार कर रखा है। इस चार्ट को अगर हम याद कर लें तो हम लोग एवरेज वैल्यू ऑफ करंट में 99% इंटीग्रेशन से बच जाएंगे। जैसे साइन ओमेगा टी फंक्शन, तो आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। तो इसकी एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल में इतनी होती है और फुल साइकिल में इतनी होती है, ये हम याद कर लेते हैं। तो हाफ साइकिल में इसकी एवरेज वैल्यू 2i0 / π होती है और फुल साइकिल में 0 होती है। अब चेक करो, फुल साइकिल में चाहे कोई से भी टाइप का अल्टरनेटिंग करंट हो, साइन हो, कॉस हो, सॉटूथ हो या रेक्टेंगुलर हो, इन सब की एवरेज वैल्यू फुल साइकिल में 0 है। कारण कि फुल साइकिल में जब इनका एरिया निकालेंगे तो जितना पॉजिटिव एरिया होगा उतना नेगेटिव एरिया होगा, कट जाएगा, आंसर 0 मिलेगा। तो इसलिए हर अल्टरनेटिंग करंट का फुल साइकिल में एवरेज वैल्यू हमें 0 मिलता है। हाँ, पंगे सिर्फ हाफ साइकिल के होते हैं, वो हम याद कर लेते हैं। तो साइन हाफ साइकिल में 2i0 / π, कॉस का 0 है, सॉटूथ का i0 / 2 है और रेक्टेंगुलर का i0 के बराबर है। अब आते हैं हम इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट है हमारा एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट। ये यूज में आता है आरएमएस करंट निकालने के। तो एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट का मतलब हुआ करंट के स्क्वायर का हमें एवरेज लेना है। इसे निकालने का मैथमेटिकल तरीका इंटीग्रल आई स्क्वायर डीटी बाय इंटीग्रल डीटी। इंटीग्रल आई स्क्वायर डीटी मतलब एरिया ऑफ आई स्क्वायर टी ग्राफ, आई टी ग्राफ नहीं, एरिया ऑफ आई स्क्वायर टी ग्राफ डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब इससे अगर बचना चाहते हो तो अगेन फिर हम याद कर लेते हैं। तो चाहे कोई से भी टाइप का अल्टरनेटिंग करंट हो, चाहे हाफ साइकिल में निकालो चाहे फुल साइकिल में निकालो, उसका करंट के स्क्वायर का एवरेज वैल्यू सेम आएगा। इसलिए हम लोग क्या कर लेते हैं, हाफ या फुल साइकिल के लिए एक जैसी ही वैल्यू आती है तो याद ही कर लेते हैं। तो दो चीज़ हम याद करते हुए चलेंगे, इससे हम इंटीग्रेशन से बच जाएंगे, एवरेज वैल्यू को और करंट के स्क्वायर का एवरेज, ठीक है ना। तो आई स्क्वायर का बार, ये दो रिजल्ट हम याद करेंगे, इससे इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा। तो साइन ओमेगा टी फंक्शन का करंट का स्क्वायर का एवरेज i0 / 2 होता है, कॉस का भी सेम होता है, सॉटूथ का 1/3 होता है, रेक्टेंगुलर का i0 square होता है। अब इससे हम आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट बड़े आराम से निकाल लेते हैं। आरएमएस हो गया रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर का मतलब कि जो हमने वैल्यूज लिखे उनका अब हम रूट ले लेंगे। बट उससे पहले एक समरी देख लो। साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी फंक्शन की एवरेज वैल्यू फुल साइकिल में 0 होती है, ठीक है ना। तो हम जो एवरेज निकाल रहे हैं वो और किसी का नहीं, एवरेज हमेशा टाइम डिपेंडेंट चीज़ों का निकलता है। कांस्टेंट चीज़ तो एज इट इज रहती है, उसका तो चाहे आप एक इंस्टेंट पर देखो चाहे आप इंटरवल में देखो एवरेज वैल्यू सेम ही आएगा। तो साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू फुल साइकिल में 0, हाफ साइकिल में 2/π, कॉस का हाफ साइकिल में ध्यान रखना 0 होता है।
अच्छा, इसी तरह साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर फंक्शन का एवरेज वैल्यू चाहे हाफ में ले लो चाहे फुल में ले लो 1/2 रहता है। ये न्यूमेरिकल लगाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। कैसे, वो अभी थोड़ा सा पेशेंस रखना, इसके बाद आपको समझाऊंगा। अब नेक्स्ट देखो, हाँ अब आ गया RMS। RMS मतलब रूट मीन स्क्वायर। तो आई स्क्वायर का बार और हम इसका रूट ले लें तो हमें RMS वैल्यू ऑफ करंट मिल जाएगा। तो जब भी हमें RMS निकालना है हम फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्क्वायर का बार फाइंड आउट करेंगे। वो कैसे करेंगे, न्यूमेरिकल में तो अभी मैं सिखाऊंगा, इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो, सबसे पहले हमें करंट की जनरल इक्वेशन दे रखी है आई नॉट साइन ओमेगा टी। हमें इसका RMS वैल्यू निकालना है। हमने दोनों तरफ स्क्वायर किया और बार ले लिया। बार मतलब एवरेज वैल्यू। तो जब आप इसका एवरेज वैल्यू लोगे तो साइन स्क्वायर का एवरेज वैल्यू फुल साइकिल हो या हाफ साइकिल हो 1/2 ही रहता है। पाई स्क्वायर का बार आ गया आई नॉट स्क्वायर बाय 2। अब हमने रूट लगा दिया, आंसर आया आई नॉट बाय रूट 2। तो साइन फंक्शन कॉस फंक्शन का RMS वैल्यू आई नॉट बाय रूट 2 ही होता है। तो ये तो सबको याद ही है। सिमिलरली सॉ टूथ का एवरेज वैल्यू आई नॉट RMS वैल्यू आई नॉट बाय रूट 3 होता है। तो ये एक नया फंक्शन है जिसको हम याद करते हुए चलेंगे। तो बच्चे इसमें इंटीग्रेशन करते घूमते हम लोग इसको याद करके निपटारा कर देते हैं। अच्छा, रेक्टेंगुलर का RMS वैल्यू आई नॉट के बराबर है। तो एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, आपको मेरे एडवांस टेस्ट में मिलेगा कि अल्टरनेटिंग करंट का एवरेज वैल्यू और RMS वैल्यू, ठीक है ना, वो पीक वैल्यू से ज़्यादा होता है हमेशा, कम होता है हमेशा, या मे बी इक्वल टू पीक वैल्यू। तो रेक्टेंगुलर करंट एक ऐसा करंट है जिसका RMS वैल्यू उसके पीक वैल्यू के बराबर है, एज वेल एज एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल में वो भी पीक वैल्यू के बराबर है। तो रेक्टेंगुलर करंट का वैल्यू पीक वैल्यू के बराबर आ जाता है। तो एक स्पेशल टाइप का करंट है जिसपे स्पेशल थ्योरिटिकल प्रॉब्लम आपका बनता है, वो मैं आपको टेस्ट में टिक करा दूंगा, आप जरूर देख लेना। अच्छा, नेक्स्ट देखो, अब आते हैं न्यूमेरिकल। अब इस टाइप के न्यूमेरिकल कैसे हैंडल करते हैं एग्जाम में, अब आता है मजा, ठीक है ना, अब सीखना। अल्टरनेटिंग करंट, अच्छा, रट्टे की आगे कोई जरूरत नहीं है। अब कई बच्चे क्या करते हैं, LR, CR, LCR लगे बड़े फॉर्मूले याद कर रहे हैं, नहीं जरूरत है। हम फेजर डायग्राम से अल्टरनेटिंग करंट को खत्म करते हैं। कैसे, मैं सिखाऊंगा, आपको याद नहीं करना पड़ेगा, उसके हिसाब से सिचुएशन के हिसाब से आप एग्जाम में रिएक्ट करना, आपका सवाल 100% सही होगा। अब चेक करो उसको, हमें करंट की एवरेज वैल्यू निकालनी है फुल साइकिल में, फिर हाफ साइकिल में, फिर आई स्क्वायर के बार की एवरेज वैल्यू निकालनी है फुल साइकिल में, फिर हमें RMS निकालना है। तो आ जाओ सॉल्यूशन लेते हैं, कोई इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है। हमें करंट की एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो हमने आई का बार लिया। अब कॉन्स्टेंट टर्म तो वैसा ही रहेगा, साइन ओमेगा टी का बार प्लस बी कॉस ओमेगा टी का बार। अब इनकी जो हमारे पास रटी रटाई वैल्यूज है वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। फुल साइकिल में इसकी और इसकी एवरेज वैल्यू जीरो होती है, तो करंट की एवरेज वैल्यू फुल साइकिल में हमारे पास जीरो आ गई। अब हमें चाहिए करंट की एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल में। तो अगर आप इसकी वैल्यू हाफ साइकिल में निकालोगे तो अब आप इनके हाफ साइकिल के रिजल्ट सब्स्टिट्यूट कर दो, तो साइन ओमेगा टी का हाफ साइकिल का रिजल्ट हो गया 2/5, कॉस वाले का तो जीरो हो गया, ठीक है ना। ये वैल्यू ध्यान रखना, इससे आप इंटीग्रेशन से बचे पड़े हो। तो इसमें मैं पुट कर रहा हूं 2/π a और नेक्स्ट हो गया 0, तो आंसर आ गया 2a/π। अब मेन खेल पर आते हैं, थर्ड, हाउ टू फाइंड आउट आई स्क्वायर का बार। इसे फाइंड आउट करने का तरीका ये है कि जो करंट की इक्वेशन है पहले उसका स्क्वायर करो। स्क्वायर करोगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा, थोड़ा पेशेंस के साथ करना, गड़बड़ी मत करना। तो a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी का होल स्क्वायर। अब आप इस होल स्क्वायर की इक्वेशन को ओपन करो बाय यूजिंग a प्लस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी। तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, b स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2ab साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। अब आप इसका एवरेज लो, तो इसका एवरेज, इसका एवरेज, इसका एवरेज। देखो, इन दोनों फंक्शंस का एवरेज वैल्यू फुल साइकिल हो या हाफ साइकिल हो, ठीक है ना। अब हाफ साइकिल में ये 2/π होता है, पर ये तो जीरो होता है। फुल साइकिल में दोनों ही जीरो होते हैं। अब हमें निकालना है फुल साइकिल में, दैट मीन्स ये टर्म तो गया। इनकी वैल्यू अभी हमने याद करी थी 1/2, तो इनकी, इन दोनों की जगह 1/2 डाल देते हैं। तो आई स्क्वायर का बार आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2। लास्ट थिंग, अब हमें निकालना है RMS। अब RMS में कुछ नहीं करना, बस खाली रूट ले लो। तो इसका रूट ले लोगे तो ये बनेगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2।
काम खत्म। तो ना इंटीग्रेशन करना ना कुछ और करना, हमारे पास सीधे सीधे डायरेक्ट हमारे एक लाइन के अंदर आंसर आ जाते हैं। तो ये वो तरीका है जिससे आप इंटीग्रेशन से बच जाते हो। अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो ये है हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है ना, सेम पैटर्न पर बेस्ड है, बट आप इसमें चेक करो, ये कॉन्स्टेंट करंट है और ये हमारा अल्टरनेटिंग करंट है, यानी ये डीसी है और ये एसी है। तो डीसी और एसी का ये मिक्सचर है। अब देखते हैं कैसे इसमें हमारे पास रिजल्ट आते हैं। तो करंट की इक्वेशन है ए प्लस बी साइन ओमेगा टी, और हमें इसका एवरेज वैल्यू चाहिए। तो मैंने बताया था अभी कांस्टेंट तो फ्री रहता है, उसका तो एवरेज वैल्यू वही का वही होता है, उसमें कोई आपको चेंजेस करने की जरूरत नहीं। दैट मीन्स हमें एवरेज इसका लेना है। तो आई बार की वैल्यू अब हमें पहले फुल साइकिल में लेना है, तो फुल साइकिल में इसका वैल्यू जीरो हो गया, आंसर ए के बराबर आ गया। अब हमें आई बार का वैल्यू निकालना है हाफ साइकिल में। हाफ साइकिल में आप निकालोगे तो अच्छा मैंने दिया नहीं है, बट चलो ठीक है हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा। तो इसकी एवरेज वैल्यू डालोगे 2/π, तो ए प्लस बी इंटू 2/π। अब थर्ड स्टेप पर आते हैं, अब हमें निकालना है, तो मैं इसमें एड ऑन कर दे रहा हूँ, ये थर्ड कर दे रहा हूँ, नहीं तो आप बाद में कंफ्यूज हो गए तो दिक्कत होगी। और ये फोर्थ, और सेकंड में आई स्क्वायर का बार हाफ साइकिल का कर दे रहा हूँ। अब थर्ड में हमें आई स्क्वायर का बार निकालना है, तो पहले हम आई स्क्वायर करते हैं, तो होल स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ए प्लस बी साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर एक्सपैंड करते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2ab साइन ओमेगा टी। अब आप ले लो इसका एवरेज, तो इसका एवरेज कांस्टेंट तो वैसे का वैसे ही है, इसका एवरेज और इसका एवरेज, इसका एवरेज हो गया हमारे पास जीरो, तो बचा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2। तो ये आ गया मेरे पास आई स्क्वायर का बार। लास्ट स्टेप, अब हमें आरएमएस निकालना है। आरएमएस अब हम सिर्फ और सिर्फ रूट ले लेंगे, तो आंसर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2 का अंडर रूट। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से आ गया होगा कि एवरेज और आरएमएस वैल्यू को कैसे बिना इंटीग्रेशन के मैनेज करना होता है। अब आगे देखो, नेक्स्ट ये सवाल है, अब मैंने सॉल्व नहीं किया, ठीक है ना, इसका मैं तरीका बता दे रहा हूँ आपको, बहुत आसान है, तो नहीं तो ज़्यादा मैं सॉल्व करने लगे तो बोर हो जाएंगे, आप सॉल्व करना। अब इसको करंट की इक्वेशन ऐसे दे रखी है, अब हमें एवरेज आरएमएस सब कुछ निकालना है। सबसे पहले इसको एक्सपैंड कर लो बाई यूजिंग साइन ए प्लस बी का आइडेंटिटी। तो साइन ए प्लस बी का आइडेंटिटी हो गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और ये इसका एक्सपेंशन हो गया। अब आपको एवरेज निकालना है, अब आप बार लगाओ और एवरेज की वैल्यूज डाल दो। स्क्वायर का एवरेज निकालना है, तो फिर आप पहले पूरी इक्वेशन को होल स्क्वायर करो, फिर आप एवरेज निकालो, वैल्यू आपके सामने है, एक बार आप ट्राई करो, छोड़ना नहीं है, ठीक है ना, फिर आगे बढ़ना। अब नेक्स्ट सवाल ये आता है सुपर पोजिशन ऑफ एसी। इसमें सुपर पोजिशन में ये वही तरीका है जो आपने इंटरफेरेंस में पढ़ा, जो आपने वेव के अंदर पढ़ा, जो आपने SHM के अंदर देखा, अब आप इसको अपना अल्टरनेटिंग करंट के अंदर देख रहे हो। फेजर डायग्राम एज इट इज़ वही है, जैसे हम लोग वहाँ यूज़ करते हुए चले थे वैसे हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो हमें दो करंट दे रखे हैं I1 और I2, हमें रिजल्टिंग करंट की इक्वेशन निकालनी है। ये ऐसे नहीं निकलती, ये फेजर डायग्राम से निकलती है। अब कैसे, देखो डायरेक्ट क्यों नहीं ऐड होता, उसका कारण ये है कि ये सेम फेज में नहीं है, तो ऐड वही चीज़ें होती हैं जो सेम फेज में हो। तो पहले हम इनका फेजर बनाएंगे, और फेजर में ये जो 3 साइन ओमेगा टी है, इसका करंट हमारा आ गया x एक्सिस पर, साइन ओमेगा टी फंक्शन तो 3 आ गया, और कॉस ओमेगा टी फंक्शन का करंट चला गया y एक्सिस पर। अब हमने ये बना दिया पैरेललोग्राम, ये इसका रिजल्टिंग करंट हो गया। अच्छा, ये आ गया हमारे पास 4 एम्पियर, और ये इस रिजल्टिंग करंट का फेज एंगल आ गया, ठीक है ना। तो जैसे चले थे आप वहां पर इंटरफेरेंस में, वैसे यहां पर चलना है। अब ये नेट करंट या इस करंट का पीक वैल्यू अगर हम निकालें, तो वो हो गया अंडर रूट 3² + 4² आंसर आ गया 5। टेन ये फेज ले लो, 5 ले लो या डेल्टा 5 ले लो, ये वैल्यू 4/3, और 4/3 आप जानते हो 53° का वैल्यू हो गया। अगर मेरे को इस रिजल्टिंग करंट की इक्वेशन लिखनी हो तो मैं ऐसे लिखूंगा I = I0 की जगह आ गया 5। अब ये एक्स एक्सिस से 5 एंगल आगे है, एक्स एक्सिस पर हमारा साइन ओमेगा टी फंक्शन है, तो साइन ओमेगा टी वाले को कॉपी किया और इससे 5 के फेज एंगल आगे, प्लस इसलिए क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज होता तो हम माइनस कर देते, 5 की जगह हम 53 डाल देंगे, तो इक्वेशन आ गई 5 sin ωt + 53। तो मेरे ख्याल से आपको सुपर पोजिशन वाला कंसेप्ट भी करंट का समझ आ गया होगा। अब चलते हैं, अब हम स्टडी करेंगे इंडिविजुअल सिंगल कंपोनेंट और फिर मल्टीपल कंपोनेंट सर्किट्स को, जिसमें LCR फिर इनकी मिक्सिंग होगी, ठीक है। तो चलो देखते हैं, तो अब हम लोग देखते हैं एवरेज पावर कंजम्पशन इन AC का फॉर्मूला। देखो अब इस फॉर्मूले पे बेस्ड आपके ज़्यादातर सवाल मिलेंगे। नीट का प्रॉब्लम देखोगे 2017 का या 18 का या 16 का, ज़्यादातर में यही पूछा गया है एवरेज पावर कंजम्पशन इन AC बता दो। इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये, अगर आप एवरेज पावर निकालना चाहते हो तो करंट और वोल्टेज दोनों के बीच का फेज डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो मान लो करंट और वोल्टेज की रिस्पेक्टिव इक्वेशन दे रखी है, फेज डिफरेंस आप माइनस करके लिख लो,
अब हमें ई और आई के बीच का फेज एंगल डेल्टा फाई पता है। फिर हमने एवरेज पावर कंजम्पशन निकाला, एवरेज पावर के लिए फॉर्मूला ई आई लगाया, ई को एक्सपैंड किया, आई को एक्सपैंड किया, फाइनल रिजल्ट आता है एवरेज पावर का, ये आप याद करो, ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस डेल्टा फाई। इस कॉस डेल्टा फाई को हम बोलते हैं पावर फैक्टर, ये पावर कंजम्पशन को डिसाइड करता है। तो अब जैसे कॉस डेल्टा फाई की वैल्यू अगर 1 है तो फिर ऐसे सिचुएशन में सर्किट मैक्सिमम पावर कंज्यूम करेगा। कॉस डेल्टा फाई की वैल्यू 0 है तो ऐसे में सर्किट कोई पावर कंज्यूम नहीं करेगा। तो वो सर्किट जिनमें कॉस डेल्टा फाई 0 होता है या डेल्टा फाई पाई बाय 2 होता है, मतलब करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस 90 डिग्री होता है, ऐसे सर्किट्स को बोलते हैं वॉटलेस सर्किट, मतलब कोई पावर कंज्यूम नहीं करते। अगर कॉस डेल्टा फाई का वैल्यू 1 है, ठीक है ना, मतलब डेल्टा फाई का वैल्यू 0 है, मतलब करंट और ईएमएफ सेम फेज में है, तो ऐसे सर्किट मैक्सिमम पावर कंज्यूम करते हैं और ऐसे सर्किट्स इलेक्ट्रिसिटी में या फिर आप बोल लो अल्टरनेटिंग करंट के अंदर पावर डिसिपेशन सबसे ज़्यादा कराते हैं। हमें इन पे काम करना होगा और पावर डिसिपेशन के वैल्यू कैलकुलेट करने होंगे। बट सबसे पहले हम लोग सर्किट की स्टडी करते हैं कि डायरेक्ट करंट से जब हम अल्टरनेटिंग करंट में आते हैं तो सर्किट के बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्योंकि ये नहीं आया तो रट्टे 100 मारते रहो, सवाल नहीं होगा। जब तक आपको बिहेवियर स्टडी नहीं आएगी कि डीसी से एसी में जाने पर जो हमने अभी तक अप्लायंसेस पढ़े थे उनको हम कैसे कैसे चेंज करेंगे, ये टॉपिक बेकार है। अब बिहेवियर स्टडी के लिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सिंगल कंपोनेंट। सिंगल कंपोनेंट से कोई न्यूमेरिकल नहीं पूछता, बकवास सवाल होता है, और पूछ भी लिया तो समझ लो कि किस्मत बहुत अच्छी चल रही है, इस साल तो सिलेक्शन 100% तय है, वैसे भी है बट ये मतलब बहुत अच्छी रैंक आपके लिए आएगा ऐसा अगर सिंगल कंपोनेंट का आ गया। आना नहीं चाहिए, आना चाहिए LCR से सवाल, ठीक है ना, या फिर रेजोनेंस का प्रॉब्लम, वो अभी लास्ट में आएगा। अच्छा फिलहाल अब सर्किट सिंगल कंपोनेंट में हम लोग स्टार्ट करते हैं रजिस्टर को। अब रजिस्टर को हम लोगों ने डीसी में तो लगा लिया था, अब हम एसी में इसको लगाते हैं। करंट की इक्वेशन मैंने ये ले ली, अब बिहेवियर स्टडी में ये देखना है कि वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस कितना है, वोल्टेज के फॉर्मूले क्या है, और फिर हम लोग इस बेसिस पर धीरे धीरे नेक्स्ट सिंगल कंपोनेंट को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। अब जैसे वोल्टेज का तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला IR, एक्सपैंड करने पर इक्वेशन ये आ गई। अब इससे ये साबित हो रहा है कि करंट और वोल्टेज रेजिस्टेंस सर्किट में सेम फेज में होते हैं। अगर ये सेम फेज में हो गए तो ऐसे सिचुएशन में डेल्टा फाई 0 हो जाएगा, कॉस डेल्टा फाई का वैल्यू 1 होगा और सर्किट मैक्सिमम पावर कंज्यूम करेगा, और इस मैक्सिमम पावर का वैल्यू ERMS IRMS हो गया। ERMS को हम पुट करेंगे, भाई वी अपना वी आई कर लो तो VRMS को पुट करोगे IRMS इंटू R और फॉर्मूला बनेगा I स्क्वायर R, तो IRMS स्क्वायर इंटू R। तो यहाँ पर RMS करंट की डेफिनेशन आती है कि RMS करंट वो वर्चुअल करंट होता है जो इक्वलेंट टू डीसी करंट होता है। तो ये डीसी करंट क्यों डीसी करंट के इक्वलेंट, क्योंकि जब आप डीसी में सर्किट में पावर डिसिपेशन निकाल देते तो फॉर्मूला लगता था I स्क्वायर R, यहाँ पर उसकी जगह आ रहा है IRMS स्क्वायर R, तो वहाँ का I यहाँ के IRMS के इक्वलेंट है। तो अगर एग्जामिनर पूछे कि 5 वोल्ट डीसी एसी में किसके इक्वलेंट है, तो 5 एम्पियर डीसी एसी में किसके इक्वलेंट है, तो 5 एम्पियर डीसी IRMS 5 एम्पियर के इक्वल है, और IRMS को हम I0 बाय रूट 2 करके उसका पीक वैल्यू निकाल देंगे। तो इस तरीके से करके आप डीसी और एसी का कंपैरिजन कर सकते हो। अच्छा सिमिलरली ये वोल्टेज हो गया, तो हम दो तरीके से इसको ब्रेक कर सकते हैं बाय यूजिंग वी इज इक्वल्स टू IR का फॉर्मूला। तो VRMS IRMS इंटू R, तो अब अगर आप VRMS का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो I स्क्वायर R बन जाएगा, I का पुट करोगे तो V स्क्वायर बाय R। तो इन दोनों से हम लोग एवरेज पावर निकाल सकते हैं, बट कोई भी सिंगल कंपोनेंट की एवरेज पावर नहीं पूछेगा आपसे। अब चलते हैं हम आगे। तो बिहेवियर स्टडी ये समझ आई कि रेजिस्टेंस वहाँ भी बदनाम था, पावर डिसिपेट करा रहा था, यहाँ पर भी बेचारा बदनाम है। तो कुल मिला करके रेजिस्टेंस ने तो कसम खा रखी है, भैया हम नहीं सुधरेंगे, हम डीसी में भी ऐसे ही रहेंगे, एसी में भी ऐसे ही रहेंगे। अब आ जाओ इस पे इंडक्टर पर। इंडक्टर वहाँ पर एनर्जी स्टोर करता था, जो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ के आए, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला 12LI2। तो ये वहाँ बिजली बचाओ योजना का पार्ट था। अब देखें यहाँ पर क्या करता है, उड़ाता है या बचाता है, क्या करता है, इसे एक बार बात करते हैं, इससे समझते हैं जरा क्या इसका सीक्वेंस है। तो हमने अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन ले ली, I0 साइन ओमेगा टी, डेराइव करते हुए इंडक्टर के वोल्टेज की वैल्यू निकाली और इक्वेशन आई ये। अब ये इक्वेशन क्या इंडिकेट कर रही है कि अगर करंट x एक्सिस पर है तो वोल्टेज इंडक्टर का y एक्सिस पर होगा, और दोनों के बीच का फेज एंगल या फेज डिफरेंस 90 डिग्री हो गया। अगर ऐसा हो गया तो cos डेल्टा फाई का वैल्यू 0 हो गया। इसका मतलब प्योर
इंडक्टिव सर्किट कोई पावर कंज्यूम नहीं करेगा, कोई पावर डिसिपेट नहीं करेगा। इसका मतलब इंडक्टर वहाँ भी बिजली बचाओ योजना का पार्ट था, यहाँ भी बिल्कुल उसी तरीके से एक्ट करता है। तो जो प्योर इंडक्टिव सर्किट होते हैं वो सर्किट कहलाते हैं वॉटलेस सर्किट, क्योंकि ये कोई भी पावर कंज्यूम नहीं करते। अब यहाँ पर समरी है रही कि जैसे आप देख रहे हो बीच में कुछ चीज़ें आई आई नॉट इन टू ओमेगा एल, तो करंट के साथ जो भी चीज़ होती है वो रेजिस्टेंस टाइप की चीज़ होती है। तो ये जो ओमेगा एल है ये इंडक्टर का रेजिस्टेंस एसी में है। तो डीसी के अंदर हम इंडक्टर को रेजिस्टेंस से रिप्लेस नहीं करते, बट एसी के अंदर हम इंडक्टर को एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस करते हैं जिसकी रेजिस्टेंस वैल्यू ओमेगा एल होती है और इसका नाम इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है। तो अब हमें सीक्वेंस समझ आया कि इंडक्टर अगर एसी में लगा हुआ मिलेगा तो पहले उसे पकड़ के रेजिस्टेंस बनाएंगे, उस रेजिस्टेंस का नाम होगा इंडक्टिव रिएक्टेंस, बोलेंगे नहीं रेजिस्टेंस रिएक्टेंस बोलेंगे। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस जिसका फॉर्मूला एक्सएल बराबर ओमेगा एल, यूनिट आप देख लो, इसका यूनिट भी ओम है और वहां पर भी यूनिट ओम था, मतलब यूनिट में कोई चेंजेस नहीं है, बस थोड़ा सा नाम बदल गया। वो रेजिस्टेंस बेचारा बुरा रेजिस्टेंस है क्योंकि पावर डिसिपेट करा रहा है, ये अच्छा है क्योंकि ये बिजली बचाओ योजना का पार्ट है। अच्छा, अब तो कहानी ये समझ आई कि जैसे ही इंडक्टर एसी में मिलेगा इंडक्टर पकड़ो और रेजिस्टेंस बनाओ, उस रेजिस्टेंस का नाम हो गया एक्सएल। तो अगर हमें इंडक्टर का वोल्टेज लिखना हो तो वोल्टेज को अब हम लिखेंगे आई एक्सएल, आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज लिखता हूँ तो वी आरएमएस ऑफ इंडक्टर इज इक्वल्स टू आई आरएमएस एक्सएल, और अगर पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज लिखना हो तो आई नॉट इनटू एक्सएल लिख लेंगे, और एक्सएल का फॉर्मूला हो गया ओमेगा एल, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गई जो कि 2 पाई एफ के बराबर हो गई। तो फिलहाल ये समझ आया कि इंडक्टर में करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस 90 डिग्री होता है, वोल्टेज लीड करता है करंट लैग करता है, और इंडक्टिव सर्किट प्योर इंडक्टिव सर्किट वॉटलेस सर्किट होता है। और हमने कसम खा ली कि हम इंडक्टर को एसी में देखते ही उसको रेजिस्टेंस बनाने वाले हैं। अब चलते हैं आगे, एक छोटा सा सवाल देखते हैं जैसे ये रहा। अब इस प्रॉब्लम के अंदर करना क्या है, करना ये हमें फाइंड आउट करनी है इक्वेशन ऑफ वोल्टेज। अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, ये बेसिक्स हैं ठीक है ना, क्योंकि एसी में आप मेरे साथ तभी टिक पाओगे जब आपको मेरे सवाल लगाने का तरीका पता होगा। मेरे सवाल लगाने का तरीका आपके सवाल लगाने के तरीके से अलग होता है, ठीक है ना। तो इसलिए एसी के अंदर आप तब टिक पाओगे जब आप पूरे सीक्वेंसेस को अच्छी तरीके से देखोगे, समझ पाओगे। अब ध्यान से सुनना, इक्वेशन ऑफ वोल्टेज निकालनी है, स्टूडेंट कहाँ डरता है, ये 27 डिग्री देख के उसकी हालत टाइट हो जाती है कि तो अभी यार 27 डिग्री का तो वैल्यू नहीं पता, तो इसका मतलब हमसे तो ना हो पाएगा, छोड़ दो सवाल, तो वो पहले ही नज़र में सवाल छोड़ देता है। जबकि इस 27 डिग्री या मैं कोई भी गंदा वैल्यू डालूं यहाँ पर एंगल का 10.5 डिग्री का कोई लेना देना हमारे प्रॉब्लम से नहीं है। करना क्या है, हमें वोल्टेज की इक्वेशन निकालनी है, तरीका क्या है, तरीका मैंने अभी बताया, इंडक्टर देखो। तो क्या कसम खाई थी कि इंडक्टर देख के उसको सबसे पहले रेजिस्टेंस बनाएंगे, तो हम इस इंडक्टर को एक रेजिस्टेंस बनाने जा रहे हैं जिसके रेजिस्टेंस का नाम हो गया एक्सएल, एक्सएल का फॉर्मूला ओमेगा एल। अब चलो, अब बहुत आसान होता है एसी आपका डीसी से, डीसी मतलब जो करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाता है उससे 100 टाइम्स आसान है एसी, वहाँ 500 तरीके थे, यहाँ सिर्फ एक ही सीक्वेंस है कि फेजर बनाओ सवाल खत्म, आ जाओ खत्म करते हैं इसको। तो अब हम एक्सएल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ओमेगा ओमेगा का फॉर्मूला हो गया 2πf और टाइम्स हमारे पास आ गया एल, अब 2π, अब फ्रीक्वेंसी कहाँ से उठाओगे या ओमेगा की वैल्यू कहाँ से लोगे, तो ये जो देख रहे हो ना टी का कोफिशियंट ये हमारे काम का है, ये वैल्यू देता है ओमेगा की, तो हमें 2πf में ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सीधे ओमेगा पता है विच इज़ 100 और एल का वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखा है 200 और हमारे पास एक्सएल आ गया 200 ओम। अब हमें इसकी वोल्टेज की इक्वेशन निकालनी है, वोल्टेज की इक्वेशन में यहाँ हमें पहले वोल्टेज की पीक वैल्यू चाहिए होगी, तो अब हम इंडक्टर के वोल्टेज की पीक वैल्यू निकालेंगे, इसका नाम हमने रखा वी नॉट एल, मतलब इंडक्टर के वोल्टेज की पीक वैल्यू, फॉर्मूला आई नॉट एक्सएल। आई नॉट हम इस इक्वेशन से ले लेंगे, वो हो गया 2, एक्सएल हो गया 200, आंसर आ गया 400 वोल्ट। तो इंडक्टर के वोल्टेज की वैल्यू हमारे पास आ गई, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज की वैल्यू आ गई कितनी 400 वोल्ट। अब हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे, तरीका हम फेजर डायग्राम का यूज करेंगे, हमें अच्छी तरह पता है कि अगर करंट इंडक्टर में इधर होता है तो वोल्टेज इससे 90 डिग्री से लीड करता है। अब हमें इक्वेशन दे रखी है करंट की, तो वोल्टेज की इक्वेशन लिखने के लिए करंट की इक्वेशन में जो करंट का फेज एंगल है, ये करंट का फेज एंगल है, इसमें जब हम 90 ऐड करेंगे तो हमें वोल्टेज का फेज एंगल मिल जाएगा। तो वोल्टेज की, और अगर वोल्टेज से करंट लिखना है तो 90 माइनस करके लिख दो। तो ये तरीका ध्यान से देखना,
तो वोल्टेज की इक्वेशन आ गई VL इक्वल्स टू V नॉट, V नॉट हमारे पास है 400। अब पूरा करंट का फेज एंगल एज इट इज उठा के चिपका दो, तो साइन 100t माइनस 27। अभी तक बेचारे 27 को पूछा भी नहीं गया, बट ये किसका फेज एंगल है? करंट का। हमें जाना है वोल्टेज पर, तो हमें इसमें 90 ऐड करना पड़ेगा क्योंकि वोल्टेज उससे लीड कर रहा है, प्लस 90। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो सब्ट्रैक्ट मार के, आपके पास वोल्टेज की इक्वेशन आ गई। तो 27 डिग्री 10.5 डिग्री का कोई लेना देना हमारे सवाल में नहीं है, हमें बस वो फेज एंगल उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, इससे ज़्यादा कुछ काम का नहीं है। तो इसलिए सिंगल कंपोनेंट सर्किट बहुत आसान होता है, कोई एग्जामिनर अपने एग्जाम में नहीं पूछना चाहता। तो हम लोग इसको मिक्स करेंगे LR, CR और फिर LCR में, बट अभी और बाकी है। अब हम आते हैं कैपेसिटर पर, तो कैपेसिटर का बिहेवियर स्टडी करते हैं। कैपेसिटर वहाँ एनर्जी बचाने का काम कर रहा था, ये यहाँ भी उसी की तरह बिहेव करता है। तो जब हम कैपेसिटर को एसी में लगाते हैं तो ये भी एक रेजिस्टेंस बन जाता है। तो समरी ये समझ आई, रेजिस्टेंस को लगाया वो तो बदनाम है, ठीक है ना, उसने तो पावर डिसिपेट करानी है। इंडक्टर को लगाया तो वो रेजिस्टेंस बन गया, पर उसने पावर डिसिपेट नहीं कराई क्योंकि करंट वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस 90 आया। कैपेसिटर को भी हम पकड़ करके रेजिस्टेंस बनाएंगे, और इसके रेजिस्टेंस का नाम होगा कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस, जिसका सिंबल XC और फॉर्मूला 1/ωC। अब अगर मैं कैपेसिटर को एसी में देखूंगा और मैं इसका वोल्टेज लिखूं तो मेरा जनरल फॉर्मूला IXC, और अगर मैं RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज लिखूं तो IRMS आ जाएगा, और अगर मेरे को पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज चाहिए तो पीक वैल्यू आ जाएगा। अब मेन बात आती है फेजर डायग्राम की। इसमें अगर आप फेजर डायग्राम चेक करोगे तो करंट की तो बेचारी की किस्मत ही खराब है, वो तो एक्स एक्सिस पर ही हमने टांग रखा है। वोल्टेज आप चेक करो, इसका वोल्टेज इससे π/2 से लैग कर रहा है। तो अब अगर करंट की इक्वेशन दे रखी हो और वोल्टेज की लिखनी हो, तो करंट के फेज एंगल में से 90 माइनस करके हम वोल्टेज का इक्वेशन लिख सकते हैं। अच्छा, वोल्टेज से करंट पर जाना हो तो 90 ऐड करना पड़ेगा। कुल मिला के दोनों के बीच का फेज डिफरेंस 90 डिग्री है, तो एवरेज पावर कंजम्पशन इसमें भी जीरो आया। तो दो सर्किट्स जो कोई पावर कंज्यूम नहीं करते वो हैं प्योर इंडक्टिव सर्किट और प्योर कैपेसिटेटिव सर्किट। दिमाग में फेजर बिल्कुल परफेक्ट सेट होना चाहिए। अब हम एक जगह पर तीनों के फेजर देख लेते हैं। तो तीनों के फेजर ये रहे, रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस का वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में, VR का वही फॉर्मूला IR, ये पावर कंज्यूम करता है और इसकी पावर कंजम्पशन का फॉर्मूला हमारा IRMS का स्क्वायर टाइम्स R। फिर आता है इंडक्टर, इंडक्टर में करंट एक्स एक्सिस पर, वोल्टेज लीड करता है 90 डिग्री से, इस वोल्टेज का फॉर्मूला IXL और XL का वैल्यू आप जानते हो ωL। फिर आया कैपेसिटर, कैपेसिटर में हमने देखा करंट तो हमने एक्स एक्सिस पर ही रखा हुआ है, बट इस कैपेसिटर का वोल्टेज VC लैग करता है 90 से, तो इसकी वोल्टेज की इक्वेशन हो गई IXC और XC का फॉर्मूला हो गया 1/ωC। तो ये कुल मिला करके हमारे पूरे के पूरे फॉर्मूले आ गए, या फिर ऐसे बोलो फेजर डायग्राम आ गया। अब आगे का जो खेल चलेगा मिक्स कंपोनेंट सर्किट का वो इन्हीं फेजर डायग्राम से चलता है, और कुछ नहीं करना, कोई रट्टे नहीं मारने आपको। चलते हैं आगे। अब देखो एक ये कैपेसिटर का सवाल है, अब बिल्कुल वैसा ही सवाल है जैसा हम लोगों ने अभी इंडक्टर में किया था, ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए। अब देखो ये 10 डिग्री देख के तो डर नहीं लगता है ना, तो ये 10 डिग्री बस खाली टाइम पास है और कुछ काम का नहीं है। पहला काम, अपना धर्म निभाओ, कैपेसिटर को पकड़ो, रेजिस्टेंस बनाओ। तो हम इसके कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस की वैल्यू निकाल रहे हैं 1/ωC। अच्छा, अब ये जो कुछ वैल्यूज हैं, जैसे ये 314 है, तो 314 और कुछ नहीं होता, 314 100 पाई होता है। तो यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट के अंदर 314, तो इस तरीके की जो वैल्यू आ जाती है। इसी तरीके से आप देखोगे तो 100√2 हो गया 141, ठीक है ना। तो अगर यहाँ 141 मिल जाए तो 141 से सवाल मत करना, 100√2 से करना। इसी तरीके से अगर यहाँ पर 628 मिल जाए तो वो हो गया 200 पाई। तो ये इस तरीके से √2 के टर्म में या फिर पाई के टर्म में रिजल्ट्स बनाने की आपको आदत होनी चाहिए, वो सवाल देखते देखते पड़ जाएगी। अच्छा देखो, अब पहले ओमेगा डालते हैं 100 पाई। अब कैपेसिटेंस की वैल्यू 100 μF, तो 100 × 10⁻⁶। अब इसका सॉल्यूशन लेते हैं, 10⁶ को ऊपर भगाया, नीचे 10⁴ और टाइम्स पाई आ गया, यूनिट इसका ओम हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देखो 100 / π ओम, ये हमारे पास XC का वैल्यू आ गया, यानी कैपेसिटेंस का कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस हमारे पास आ गया 100 / π ओम। आसान सा आया। अब हम इसका पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज निकालेंगे, क्योंकि करंट की इक्वेशन से हमें वोल्टेज की इक्वेशन लिखनी है। पीक वैल्यू निकालने का फॉर्मूला वही है IR, एक ही याद रखो, तो I0 × XC। I0 करंट की इक्वेशन से उठाया 2, 100 / π,
ठीक है ना। तो इस तरीके से करके आपको सिंप्लीफाई करना है, आप डाटा सब्सटीट्यूट करते जाओ और सॉल्व करते जाओ। तो 200 बाय पाई वोल्ट ये इसका पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज हो गया। अब हमें इसके वोल्टेज की इक्वेशन लिखनी है, अब हमें फेजर की जरूरत है। तो कैपेसिटर का फेजर हमें पता है, करंट इधर है, तो वोल्टेज कैपेसिटर का नीचे होगा और 90 डिग्री से क्या करेगा, लैग करेगा। तो अब अगर आपको कैपेसिटर के वोल्टेज की इक्वेशन लिखनी है तो वी नॉट हो गया 200 बाय पाई टाइम साइन, आगे जैसा फेज एंगल है करंट का एज इट इज उठा के लगा दो, तो 3140 माइनस 10 डिग्री। अब 90 डिग्री ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है वो थोड़ा होश में रह के कर लेना, तो ये लैग कर रहा है तो हमें माइनस 90 करना पड़ेगा। माइनस 90 करते ही हो गया 100 डिग्री और आपका सवाल कंप्लीट हो गया। पावर कंज्यूम होती नहीं, पावर डिसिपेट होती नहीं, तो कोई पूछेगा क्या, पूछ ले तो इतने तमाशे की जरूरत ही नहीं है, सीधे आंसर जीरो कर दो। तो मेरे ख्याल से सिंगल कंपोनेंट तीनों सर्किट सेट हो गए दिमाग में। अब मिक्स सर्किट सिखाता हूँ। मिक्स सर्किट में है LR, देखो ये कहते हैं जिसको LCR आता है उसको सब आता है, मैं उल्टा कहता हूँ जिसको सब आता है वो LCR उड़ा देता है, ठीक है ना। तो अब ये LR मैं पढ़ा रहा हूँ, CR मैं पढ़ा रहा हूँ, LCR आप पढ़ाने दा, ठीक है ना। तो आप खुद ही मेरे को पढ़ा दोगे कि हाँ सर अब LCR में ऐसे ही चलना है, और आपके नीट के ज़्यादातर सवाल LCR के ही रहते हैं, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, फिर उसका रेजोनेंस देखेंगे, ठीक है ना। अच्छा इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना, जैसे मैं सिखा रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही मैंने टेस्ट के अंदर सवाल सॉल्व किए हैं, ठीक है ना। तो अगर आप अटके तो वीडियो सॉल्यूशन ज़रूर देखना, रट्टे मत मारना, ठीक है ना। अब चलो देखो LR के अंदर बच्चे फॉर्मूले याद करना शुरू कर देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। पहले जो आपने अभी कसम खाई उसको निभाओ, इंडक्टर को देखते ही रेजिस्टेंस बनाओ। तो हमने इस इंडक्टर को XL से रिप्लेस किया और ये तो R है ही। अब करना क्या है, फेजर डायग्राम अच्छे से सीखना है। सुनो यहाँ दो तरीके के फेजर चलते हैं, वोल्टेज का फेजर और रेजिस्टेंस का फेजर। दोनों फेजर आपको बड़े अच्छे तरीके से आने चाहिए, कब कौन सा इस्तेमाल करना है वो सवाल पे डिपेंड करता है, इसलिए दो तरीके के सवाल मैं आपको दिखाऊंगा। एक मैं वोल्टेज के फेजर से सॉल्व करूंगा, एक में अपना इम्पिडेंस का फेजर बोल लो या रेजिस्टेंस का फेजर बोल लो। अब पहले वोल्टेज के फेजर को देखो, आप इंडक्टर का वोल्टेज VL हो गया, फॉर्मूला IXL, ये VR हो गया, फॉर्मूला IR, यहाँ पर नेट वोल्टेज हो गया। तो पहली बात तो अच्छी तरह दिमाग में सेट कर लो कि नेट वोल्टेज इन दोनों के सम के बराबर नहीं होता, ये AC है DC नहीं है कि आपने उठाया दाएं से जोड़ दिया, ऐसा नहीं होता। तो इनका नेट वोल्टेज निकालने के लिए हमें फेजर डायग्राम की ज़रूरत है। अब देखो यहाँ वोल्टेज का फेजर, तो करंट की तो किस्मत बेचारे की ख़राब है, उसको फेंका हमने एक्स एक्सिस पर वोल्टेज। अब रेजिस्टेंस का वोल्टेज वो करंट के साथ सेम फेज में होता है, इंडक्टर का वोल्टेज 90 डिग्री से लीड करता है, तो ये VR आया, ये VL आया, तो नेट वोल्टेज ऐड कैसे कर पाओगे, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है, क्या बनाना पड़ेगा, पैरेललोग्राम। अब इस पैरेललोग्राम का डायगनल ये हमें नेट वोल्टेज देगा और ये हो गया डेल्टा फाई, यानी फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड नेट वोल्टेज। अच्छा ये VR है तो इधर ये VL आ गया, तो बेसिकली बन गया हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो मैं तो इसमें सीधे ऐसे बनाता हूं, VR इधर मारा, VL इधर, मैं इधर दिखाता भी नहीं, क्यों टाइम पास करना। और ये VNet आ गया। अब आपको सिर्फ और सिर्फ ये राइट एंगल ट्रायंगल सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना। अब अगर आपको VNet निकालना है तो पाइथागोरस लगा लो, डेल्टा फाई निकालना है तो टेन थीटा लगा लो, रट्टे क्यों मारो। तो VNet की वैल्यू अंडर रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर, कोई याद नहीं करेगा, फेजर बना के आप सॉल्व करोगे। और 10 डेल्टा फाई की वैल्यू हमारे पास आ गई, कितनी आई 10 डेल्टा फाई की वैल्यू, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मींस VL बाय VR, ठीक है। ये हुआ वोल्टेज का फेजर। अब इम्पिडेंस का फेजर दिखाता हूँ। तो ये हुआ मेथड नंबर वन, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ प्रॉब्लम कि हमें इनके वोल्टेजेस दे रखे हैं या इनके रिएक्टेंसेस दे रखे हैं। अब आगे सुनो मैथड नंबर टू, अब हम इम्पिडेंस का फेजर बनाएंगे। अब ये क्या बला होती है वो सुनो, इम्पिडेंस का फेजर बनाने का तरीका ये है कि जहां ये VR है वहां से I को चलता करो और सिर्फ R को रख लो, ठीक है ना। तो इनके रेजिस्टेंसेस भी सीरीज में ऐड नहीं होते, वो भी फेजर डायग्राम से ही जोड़ के निकाले जाते हैं। तो देखो तो करंट वो तो किस्मत खराब है बेचारी की, एक्स एक्सिस पर आया, रेजिस्टेंस इधर आ गया, ठीक है ना, आर इधर आ गया, VL की जगह आ गया XL, और ये इनका नेट रेजिस्टेंस हो गया। तो अब नेट वोल्टेज का रिप्रेजेंटेशन नेट रेजिस्टेंस से हो गया, इसको हम जेड से डिनोट करते हैं जिसका नाम इम्पिडेंस होता है, ये हो गया डेल्टा फाइव। अब आपको अच्छा इनके मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, जो चीज़ें हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट करनी है उनको मैं रेड कलर से इंडिकेट कर रहा हूँ। तो ये हो गया बेटा डेल्टा फाइव और इधर हमारे पास आ गया जेड। अब बच्चे रटते हैं इसके फॉर्मूले को, क्यों ज़रूरत है भाई रटने की, जेड निकालना है ना, तो पाइथागोरस लगाओ। तो जेड का वैल्यू हो गया अंडर रूट ऑफ
आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, हाँ प्रॉब्लम लगाते लगाते याद हो जाए वो अच्छी बात है, बट ऐसे रट रट के सवाल लगाओ वो गंदी बात है। तो आप प्रॉब्लम के थ्रू चलो, ठीक है ना, आपको प्रॉब्लम दो चार पांच देखोगे अपने आप हाथ सेट हो जाएगा, आपको ऐसा नहीं कि अलग से बहुत ज्यादा मेहनत करनी है इस टॉपिक में, कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। तो जेड आ गया टेन डेल्टा फाई, ये हो गया एक्सएल बाय आर, ठीक है। अब मान लो कोई कहता है पावर फैक्टर बताओ, तो पावर फैक्टर क्या होता है, कॉस डेल्टा फाई, तो कॉस डेल्टा फाई की वैल्यू लगा दो ना बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कौन सा उसमें आफत है, तो आर बाय जेड। अब क्योंकि इधर रेजिस्टेंस लगा हुआ है और इंडक्टर है तो ये पावर डिसिपेट करेगा, अब पावर कौन डिसिपेट करेगा, पहले पावर डिसिपेशन निकालते हैं। तो यहां से हमारे पास एक आइडेंटिटी बनेगी, उस आइडेंटिटी का हम पूरे चैप्टर में यूज करेंगे। तो पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला ई आर एम एस, वी आर एम एस लिखता हूं ज्यादा अच्छा रहेगा, फ्लो बनेगा हमारा। तो वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस डेल्टा फाई। अब आप ध्यान से देखना कि मैं पावर के कौन कौन से फॉर्मूले चैप्टर में इस्तेमाल कर रहा हूं, ठीक है ना, ध्यान देना। अब सबसे पहले इसको निपटाओ, कॉस डेल्टा फाई की वैल्यू आर बाय जेड में यहां पर डाल रहा हूं, तो फॉर्मूला बनेगा वी आर एम एस आई आर एम एस टाइम्स आर बाय जेड। अब वी आर एम एस को मैं पुट करूंगा, वी आर एम एस हो गया सर्किट का नेट वोल्टेज, और नेट वोल्टेज की वैल्यू वी इज इक्वल्स टू आई आर नहीं है, आई एक्सएल नहीं है, नेट वोल्टेज आई जेड है। तो मैं यहां पर वी आर एम एस को सब्सटीट्यूट करूंगा आई आर एम एस इंटू जेड, तो मिक्स सर्किट का नेट वोल्टेज हो गया I इंटू जेड के बराबर। अब जो सा वोल्टेज वैसा करंट आपको डालना पड़ेगा, सब्सटीट्यूट करो। तो एवरेज पावर का हमारे सामने रिजल्ट आया, वी आर एम एस की जगह हमने सब्सटीट्यूट किया ये, तो जेड जेड कैंसिल हो जाएगा। फॉर्मूला देखो कितना आसान है वो देखो, तो ये तो वही है जो बरसों से चला आ रहा है, कहां बरसों से, जो अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी में था। तो अभी भी आपको कोई पावर फैक्टर की जरूरत नहीं है, अभी भी अगर आप पावर डिसिपेशन निकालना चाहते हो तो पावर डिसिपेशन यहां पर फॉर्मूला हो गया आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर, ये फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम हुआ। अब दूसरा पावर का फॉर्मूला निकालने के लिए मैं यहां पर आई की वैल्यू डाल रहा हूं, और एवरेज पावर कंजम्पशन का दूसरा फॉर्मूला, ठीक है ना, ध्यान से देखना, इसको यहां सब्सटीट्यूट करते ही फाइनल रिजल्ट बनेगा वी आर एम एस बाय जेड का होल स्क्वायर टाइम्स आर, ठीक है ना। तो ये दो पावर के हमारे पास रिजल्ट्स हैं, ये इस बात पे डिपेंड करते हैं कि हमें करंट का इक्वेशन दे रखा है या वोल्टेज का, हमें किस मेथड से करना हम ज्यादा कंफर्टेबल समझेंगे। तो मैं दोनों से आपको सिखाऊंगा तो आप परफेक्ट हो जाओगे। तो अब कुल मिलाकर के पावर डिसिपेशन तक रिजल्ट हमारे पास आ गए, सारा का सारा एसी सिर्फ और सिर्फ फेजर से करेंगे। अब चलते हैं आगे, देखो अब ये आया पहला प्रॉब्लम, मैंने सब पूछ डाला, जेड भी पूछा, इक्वेशन भी पूछी, एवरेज पावर भी पूछी। अब ध्यान से सुनना, अगर यहाँ करंट की इक्वेशन दे दी जाए, है ना, और आपसे एवरेज पावर पूछी जाए, समझ लो सवाल बनाने वाला बेवकूफ, क्योंकि उसने करंट की इक्वेशन दे दी तो आपको क्या करना है, आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर करके सीधे उड़ा दो पावर। पर अब वो किस्मत की बात है, अगर ऐसा मिल जाए तो फिर तो कर दो, किसने रोका है। तो ये लास्ट का सवाल हमारे लिए फर्स्ट स्टेप में खत्म हो जाएगा, बट अब मेरे होते हुए मैं इतना आसान तो नहीं देता, ठीक है ना। तो मैंने वोल्टेज की इक्वेशन देनी है, अब आप छटपटा गए क्योंकि आपको चाहिए, अब वोल्टेज वाला फॉर्मूला क्या था, वी आर एम एस बाय जेड का होल स्क्वायर इंटू आर। तो अब आपको पंगे हो गए, अब आपको सारी चीजें सॉल्व करनी पड़ेंगी, अब मैं उसका सीक्वेंस दिखाता हूं, ठीक है ना, आप ध्यान से देखना, सीखना इसको। सबसे पहले बात ये आती है हमें जेड निकालना है, ठीक है ना, नेट वोल्टेज भी निकालना है, सब कुछ करना है। अब कैसे हम इस चीज को कैलकुलेट करें, क्या हमारा स्ट्रेटजी रहेगा, तो सुनो, अब हम सर्किट में सबसे पहले इनके रेजिस्टेंसेस निकालेंगे और फिर इम्पीडेंस का फेजर बनाएंगे, क्योंकि हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है। अब रेजिस्टेंस कैसे निकालें, तो पहले आप एक्सएल निकालो, फॉर्मूला हो गया ओमेगा एल, ओमेगा इक्वेशन से पकड़ो, ओमेगा की वैल्यू हो गई 314, दैट मीन्स 100 पाई, एल की वैल्यू हो गई 1 बाय पाई, आंसर बना 100 ओम। तो ये आया एक्सएल यानी इंडक्टर का रेजिस्टेंस। अब दूसरी चीज, आर की वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है 100√3 ओम, तो इसमें तो कोई सिरदर्दी नहीं है। अब आप उठा के फेजर बनाओ, और फेजर बनाओगे, ध्यान से देखना, तो फेजर बनाते वक्त करंट को पहले इधर दिखाओ कोने में, अब यहां पर आया हमारे पास रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का वैल्यू हो गया 100√3, ठीक है ना। अब इधर साइड हमारे पास इधर नहीं लगा रहा, मैंने पहले बोला कि मैं टाइम खराब नहीं करूंगा, मैं सीधे यहां पर इसके हेड के ऊपर ही चिपका दूंगा एक्सएल को, एक्सएल का वैल्यू मेरे पास आ गया 100 ओम, और ये सर्किट का नेट इंपीडेंस या नेट रेजिस्टेंस हो गया, ये यहाँ का डेल्टा फाई हो गया। जो चीज़ें अननोन है पहले उनको नोन करो, अभी तक आप देख लो सिर्फ और सिर्फ हमने, अच्छा ये चीज़ आप डायग्राम में भी कैलकुलेट कर सकते हो, डायग्राम तो एग्जामिनर देता ही है अल्टरनेटिंग करंट के सर्किट के अंदर,
तो आपको सिर्फ और सिर्फ फेजर बनाना है, कोई स्पेस ही नहीं कंज्यूम करनी, रट्टे मार मार के बर्बाद हो जाओगे, और फेजर बना के इसमें आप सब कुछ सीख जाओगे। अब जेड निकालना है, पाइथागोरस से आ जाएगा, तो जेड की वैल्यू हो गई अंडर रूट ऑफ, अब पहले दोनों में जो कॉमन है वो अंडर रूट के बाहर लिख लो, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, दैट मीन्स 3 + 1 विच बिकम 4, और यहां पर आ गया 200 ओम। तो मेरे पास Z आ गया 200 ओम। मैं फिर बोल रहा हूँ, रट्टे मत मारना आप मेरे साथ, नहीं तो आप एसी में टिक नहीं पाओगे। तो Z आने के बाद अब मैं निकालूंगा tan डेल्टा फाई, ये बस ऐसे ही नहीं पूछा गया, कोई बात नहीं, अपना तो जन्म सिद्ध अधिकार है, हमें तो सब कुछ आना चाहिए कैलकुलेट करना। tan डेल्टा फाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मीन्स 1/√3, और देखो कितनी अच्छी किस्मत, डेल्टा फाई की वैल्यू हमें मिल गई 30 डिग्री। अच्छा, पावर फैक्टर भी निकाल लेते हैं, कॉस डेल्टा फाई, हालांकि हमें ज़रूरत नहीं है बट फिर भी चलने दो। तो कॉस डेल्टा फाई बेस अपॉन हाइपोटन्यूज, हाइपोटन्यूज 200 हो गया, तो 100√3/200, और वैसे तो आप 30 डिग्री डाल के ही लिख लो, √3/2 ही बनेगा, बट ठीक है कोई बात नहीं, फॉर्मूले लगाने की आदत है तो ये लो, वहाँ से भी आ गया। ठीक, तो हमने पहला पार्ट पूरी तरीके से उड़ा दिया, कंप्लीट कर दिया। अब हमें निकालनी है इक्वेशन ऑफ करंट। कैसे? इक्वेशन ऑफ करंट निकालने के लिए फॉर्मूला तो एक ही है, अब हमें नेट करंट चाहिए, है ना, तो V इज इक्वल्स टू हम लगाएंगे I नॉट इंटू Z, क्योंकि हमें करंट की इक्वेशन में पीक वैल्यू ऑफ करंट चाहिए होगा। अब ये हो गई हमारी सेकंड स्टेप, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। तो हमेशा ध्यान रखना, पहली स्टेप हमारा फेजर डायग्राम रहेगा, वो तभी बन पाएगा जब या तो वोल्टेज पता हो या हमें रेजिस्टेंसेस पता हो। अच्छा, अब डाटा पुट करते हैं, V नॉट 200 दे रखा है, I नॉट टाइम्स जेड, जेड हमने निकाल लिया 200 ओम था, यहाँ से बेटा हमारे पास आई नॉट की वैल्यू आ गई, वो आ गई 1 एम्पियर। अब हम करंट का इक्वेशन बड़े आराम से लिख सकते हैं, तरीका ध्यान से सुनना। अब कैसे लिखेंगे करंट का इक्वेशन? करंट का इक्वेशन लिखने के लिए ये हमें नेट वोल्टेज की इक्वेशन दे रखी है, ये रिप्रेजेंटेशन है नेट वोल्टेज का, यहाँ से आप यहाँ आना चाहते हो तो आपको ये डेल्टा फाई का फेज एंगल वोल्टेज के एंगल में से माइनस करना पड़ेगा, ध्यान से सीखना। तो करंट की इक्वेशन हो गई आई नॉट 1 एम्पियर, अब सीधे सीधे वोल्टेज की इक्वेशन छापो, वो हो गया 3140 + 20 डिग्री माइनस ये फेज एंगल करो, जिसको माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ वोल्टेज लीड कर रहा है और करंट लैग कर रहा है, तो डेल्टा फाई माइनस करोगे तो 30 डिग्री माइनस हुआ, और बेटा यहाँ पर हमारे पास करंट का इक्वेशन बना 1 एम्पियर sin 3140 - 10 डिग्री। तो हमने करंट का इक्वेशन कैलकुलेट कर लिया। अब मेन टूल पर आते हैं, जो एग्जामिनर का सबसे फेवरेट प्रॉब्लम होता है, एवरेज पावर। अब एवरेज पावर निकालते हैं, एवरेज पावर के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले, आइदर वी कैन यूज IRMS² R या फिर हम यूज कर सकते हैं VRMS/Z² R, जो आपकी इच्छा करे अब आप सब लगा सकते हो, क्योंकि Z भी अवेलेबल है, V भी अवेलेबल है, R भी अवेलेबल है, जो मर्जी चाहिए लगा लो। ठीक, तो मैं IRMS वाले से निकालना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए ज़्यादा आसान रहेगा, कैलकुलेशन भी इजी रहेगी। IRMS ये है आई नॉट, तो IRMS हो गया, √2 कर देंगे हम आई नॉट को, तो यानी ये बनेगा 1/√2² × R, एंड R का वैल्यू इज, क्वेश्चन R ध्यान रखना, Z नहीं, R, R का वैल्यू इज 100√3। तो बेटा आंसर आया 50√3 W। अब दूसरे मेथड से देखो, दूसरा एवरेज पावर निकालने का मेथड हमारा VRMS / Z² R। अब VRMS हम वोल्टेज की इक्वेशन से पकड़ेंगे, यानी V0/√2, तो 200/√2, Z हम फेजर से उठाएंगे और Z का वैल्यू हमारे पास है 200² × रेजिस्टेंस, वो हमें दे ही रखा है 100√3। अब आप देखो आया तो वही है ना, ये स्क्वायर होके हाफ हो गया, इधर आ गया 50√3। तो बात यही है कि आपको जो मेथड आसान लगे आप उस मेथड को यूज कर लो, जो समझ आए वो लगा लो, चॉइसेस अब मैंने आपको दो दे दी। एवरेज पावर पर रट्टे मत मारना, फेजर से करना, आपका सवाल हमेशा परफेक्टली सही होगा। अब और प्रैक्टिस कराता हूं, देखो, अब ये देखो, ये सवाल चिल्ला चिल्ला के अपनी स्कीम बता रहा है, यहां पर V1 V2 और A, ठीक है ना, वोल्टमीटर लगे हुए दो दो और एमीटर लगे हुए हैं, चेक करो V1 का वैल्यू है, V2 का वैल्यू है। तो अभी ये खुद ही इशारा कर रहा है कि भाई वोल्टेज का फेजर बना लो, अब कोई बेवकूफ़ी होगा जो रट्टे मार करके इसको सॉल्व करेगा। V1 यानी और कुछ नहीं VL, V2 यानी VR, और VNet हमें निकालना है, फेजर से निकाल लेंगे। आ जाओ, तो सबसे पहले अब इसमें हम फेजर बना रहे, करंट की तो बेचारी की किस्मत खराब, इधर लगाओ, यहाँ पर आ गया VR, यानी V2 का वैल्यू, थोड़ा संभाल के डालना वैल्यू, ये हो गया 300 वोल्ट,
इधर साइड हमने लिखा वी एल को, वी एल यानी वी वन का वैल्यू विच इज 400 वोल्ट, और ये हो गया मेरे पास नेट वोल्टेज, और इस एंगल का नाम हो गया डेल्टा फाई। अब नेट वोल्टेज यहीं पर खत्म करो, तीन चार तो ये पांच आ गया, और डेल्टा फाई भी हमारी किस्मत अच्छी चल रही है, 10 डेल्टा फाई हो गया कितना 4/3, दैट मीन 53 डिग्री। तो एक मुसीबत तो गई, आप देख लो सारा सवाल हमने फेजर से ही उड़ा दिया, ठीक है ना, एक भी हमने फालतू लाइन कंज्यूम ही नहीं करी, खत्म हो गया सवाल। अब देखो ये फालतू का टाइम पास किया जा रहा है, डेल्टा फाइव पूछा जा रहा है, अरे भाई दिख तो रहा है 53 डिग्री, कहता आर बता दो, एल बता दो, जेड बता दो, अब इसको सब कुछ ही चाहिए, ठीक है आ जाओ हम भी बताते हैं। करंट हमें सर्किट में 1 एम्पियर दे रखा है, हाउ टू फाइंड आउट आर, हम आर कैसे निकालेंगे, वोल्टेज पता है करंट पता है तो वही तरीका लगाओ अपना, वी इज इक्वल्स टू आई आर। अब कौन सा वोल्टेज है, जब कुछ नहीं लिखा होता तो वो आर एम एस वैल्यू ऑफ वोल्टेज होता है, तो वी आर एम एस इज इक्वल्स टू आई आर एम एस इंटू आर। तो ये जो एमिटर रीडिंग बताएगा ये आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट की रीडिंग देगा, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना आप, आई आरएमएस होगा, और जब तक क्वेश्चन में गिवन नहीं है जो भी करंट और वोल्टेजेस हैं वो आरएमएस वैल्यू है। ओके, अब वीआर की वैल्यू 300 वोल्ट हो गई, आई आरएमएस यानी इस एमिटर की रीडिंग वो भी हमें दे रखी है 1 एम्पियर, तो यहां से बेटा आर की वैल्यू आ गई, और आर की वैल्यू आ गई 300 ओम। अब मेरे ख्याल से मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप खत्म कर लोगे। एल कैसे निकालोगे, एल निकालने के लिए हम वी एल का फॉर्मूला लगा लेंगे, आई इंटू एक्सएल, ठीक है ना, आई हमें पता है, एक्सएल को हम ब्रेक करेंगे ओमेगा एल से, फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है, चलो कैलकुलेट करते हैं। तो आई आर एम एस एक्सएल जिसको हमने ब्रेक किया ओमेगा एल, अब डाटा सब्स्टिट्यूट करो, इंडक्टर का वोल्टेज 400, आई आर एम एस 1, ओमेगा, अब ओमेगा हमें डायरेक्ट नहीं दे रखा, हमें उसकी जगह फ्रीक्वेंसी दे रखी है 50 CPS, तो हम इसे लिखेंगे अपना वही 2πf, 2πf करते ही 2 से मल्टीप्लाई होते ही 100π बन गया, 100π मतलब 314, बट इसको ऐसे ही पड़ा रहने दो। तो L की वैल्यू आ गई 4π, यूनिट हो गया हेनरी। तो आसान है, कहीं से कोई मुश्किल नहीं है, बहुत प्रेम से सवाल खत्म हो जाता है। अब क्या निकालना भाई, जेड निकालना है, जेड के लिए क्या नहीं, फेजर की जरूरत नहीं है, कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, अब हम Z निकालते हैं, Z के लिए नेट वोल्टेज को डालेंगे IRMS into Z, इससे निकालेंगे ना, Z आसानी से आएगा, नेट वोल्टेज ये रहा, और इस नेट वोल्टेज को हमने निकाला हुआ है 500, I हमें पता ही है 1, और यहां से Z अपने आप कूद कूद के आ गया 500 ओम के बराबर। तो ये होता है भाई सवाल, डेल्टा फाई आप जान ही चुके हो। अब लास्ट एवरेज पावर, अब एवरेज पावर तो हमारे लिए बकवास काम है, खत्म कर देते हैं, आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर। एवरेज पावर तो पहले ही स्टेप में ही आ जाता है, उसमें तो फेजर की भी जरूरत नहीं, क्योंकि इसने सीधे एमीटर की रीडिंग दे दी है ना, तो सवाल आसान कर दिया। तो आई आर एम एस इज 1 एम्पियर, आर इज आर 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 कितना हमने निकाला, हाँ इसके लिए अब हमें आर की जरूरत पड़ती तो हमें चाहिए तो होता भाई, ये इतना तो जाना पड़ता हमें, आर इज 300 ओम, तो यहाँ पर पुट करते हैं 300, आंसर आ गया 300 वाट। अब अगर आपका मूड इससे नहीं है तो आप वी आर एम एस बाय जेड का होल स्क्वायर इंटू आर से भी पावर निकाल सकते हो, अब तो बुद्धि में बैठा। तो जब रेजिस्टेंसेस दे रखे हैं तो इम्पिडेंस का फेजर चलेगा, और जब वोल्टेजेस दे रखे हैं तो वोल्टेज का फेजर चलेगा, चलेगा फेजर ही और कुछ नहीं चलेगा, कुछ रट्टे का फायदा नहीं है चैप्टर में। अब चलते हैं आगे, अब सी आर सर्किट है, आ जाओ आप पढ़ाओ। तो सी आर सर्किट के अंदर भी वही दो बातें, पहले पकड़ो रेजिस्टेंस बनाओ, ठीक है ना, और इनके वोल्टेजेस के ये फॉर्मूले हो गए। अब आते हैं फेजर पर, ठीक है ना, अब धनादन धनादन स्पीड पकड़ लेते हैं, यहाँ आया करंट, ये आया वी आर, अब इस करंट को मैं ऊपर लगा रहा हूँ, कारण अभी अभी पता चल जाएगा आपको। देखो बेटा, अब कैपेसिटर का वोल्टेज लीड तो करता नहीं, लैग करता है, तो नीचे आएगा, यहाँ लगाने से बढ़िया सीधे बनाओ ट्राइंगल वी सी, तो वी एल ऊपर तो वी सी नीचे, ये हो गया नेट वोल्टेज, और ये हो गया डेल्टा फाई। तो अब हम कुछ नहीं रटने वाले भाई, ठीक है ना, अब सीधे सवाल खत्म, नेट वोल्टेज पाइथागोरस से निकालेंगे, 10 डेल्टा फाई कॉस डेल्टा फाई हमारे पास अवेलेबल है, ये हो गया मेथड नंबर 1 बाय यूजिंग फेजर ऑफ वोल्टेज डायग्राम। मेथड नंबर 2 इम्पिडेंस का फेजर, करंट ये रहा, रेजिस्टेंस इधर आया, अब यहाँ पर एक्स सी आ जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास जेड, जेड कैसे निकालोगे, पाइथागोरस से निकालेंगे, डेल्टा फाई ये हो गया Z, यानी नेट वोल्टेज का रिप्रेजेंटेशन। अब इक्वेशन पे अगर काम करना पड़ा, मान लो करंट की इक्वेशन दे रखी है वोल्टेज लिखनी है, तो करंट के फेज एंगल में से डेल्टा फाई माइनस, वोल्टेज दे रखा है करंट लिखना है तो वोल्टेज के फेज एंगल में डेल्टा फाई प्लस, तो यहाँ से प्लस करके I पे पहुँचोगे, यहाँ से माइनस करके V पर पहुँचोगे। अच्छा फिलहाल Z कोई याद करने की जरूरत नहीं, पाइथागोरस से हमारे पास आ जाएगा, 10 डेल्टा फाई कॉस डेल्टा फाई सब आ जाएगा। अच्छा अब एवरेज पावर, पूरे चैप्टर में फिक्स कर दिया मैंने इसको, तुम आप लोगों को परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। एवरेज पावर वही फॉर्मूला,
IRMS स्क्वायर इंटू आर, ये तो बेचारा बर्बाद हो गया एवरेज पावर, ये तो अब आपको परेशानी नहीं करेगा, ना आपको कॉस डेल्टा फाई की जरूरत, ना आपको किसी और चीज की जरूरत, बस इन दो इक्वेशंस को सेट कर लो दिमाग में, आपकी एवरेज पावर खत्म। तो वी आर एम एस बाय जेड का होल स्क्वायर टाइम्स आर, तो ये हो गया हमारा सी आर सर्किट, ठीक है ना। तो आसान है, मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा रास्ते सही करने हैं, ठीक है ना। जहाँ याद करना वहाँ याद करेंगे, जहाँ दिमाग लगाना वहाँ दिमाग लगाएंगे, आप उल्टा काम करते हो, जहाँ दिमाग लगाना वहाँ याद करते हो, और जहाँ याद करना वहाँ दिमाग लगा लेते हो, तो इस चक्कर में फिजिक्स गड़बड़ हो जाती है, ठीक है ना। तो सही से पढ़ो, आपको फिजिक्स आराम से आ जाएगी। अब चलते हैं सवाल पे, क्या करना चाहिए बोलो, वोल्टेज का फेदर या इम्पीडेंस का फेदर। तो मेरे को तो साफ दिख रहा है आर और सीधे रखें, इशारा कर रहा है भाई सीधे सीधे कि इम्पीडेंस का फेजर बनाओ, तो आ जाओ, हम भी क्यों देर करें। तो पहले तो हमने एक सी का वैल्यू निकाला, वन बाय ओमेगा सी, ओमेगा ओमेगा कितना, टू पाई एफ, और फ्रीक्वेंसी आपके सामने है 50 CPS, तो ये बन गया हमारा 100 पाई, और कैपेसिटेंस की वैल्यू 100/π माइक्रोफराड, वो मैंने सिंप्लीफाई किया, पाई पाई निकल लिया, एक्स सी का वैल्यू आ गया 100 ओम। अब तो बहुत आसान है, अब फेजर बनाओ, करंट इधर, रेजिस्टेंस इधर 100 ओम, यहां पर आ गया मेरे पास एक्स सी विच इज ऑल्सो 100 ओम। अब तो सवाल कहीं का नहीं रहा, जेड जेड पाइथागोरस से लिखो, खत्म करो यहीं पे लिख के 100√2 ओम, डेल्टा फाई, अब डेल्टा फाई तो चमक चमक के दिख रहा है भाई, 45 डिग्री है, ऐसे सवाल होता है, ठीक है ना। आपकी तरह नहीं, रट्टे मार मार के नहीं जिंदा रहना एसी के अंदर, एसी ऐसे ही खत्म होता है, मैंने पहले ही बोला था 100 टाइम आसान लगेगा आपको डायरेक्ट करंट वाले सर्किट से। Z आ गया, ये आ गया, पूछा क्या है, रीडिंग ऑफ एमिटर, मतलब हमसे करंट की जानकारी मांगना चाह रहा है, ठीक है। तो हम करंट निकालते हैं, नेट वोल्टेज हमें पता है, कौन सा नेट वोल्टेज, कुछ नहीं लिखा, तो RMS वैल्यू होगा, तो V नेट इज इक्वल्स टू IRMS इनटू Z, ठीक है ना, इतना समझ आ गया ना। अब V नेट की वैल्यू जो दे रखी है सब्सटीट्यूट करो, 200√2, IRMS हमें निकालना है, वही एमिटर की रीडिंग बनेगा, और Z हमें पता ही है फेजर डायग्राम से, वो हो गया 100√2, तो यहाँ से ये निकल लिया और रूट टू भी गया, और IRMS का बेटा वैल्यू आ गया हमारे पास 2 एम्पियर, तो खत्म हो गया ये। अब आपको निकालना है एवरेज पावर, तो फर्स्ट पार्ट तो उड़ गया, एवरेज पावर जो मर्जी है वो लगाओ, मैं तो कहता हूँ सबसे सस्ता सुंदर टिकाऊ IRMS का स्क्वायर इंटू आर, इससे बढ़िया तो कोई फॉर्मूला नहीं होगा, वही DC से चला आ रहा है AC तक, तो IRMS स्क्वायर, तो यानी 2 एम्पियर का स्क्वायर 4, और R की वैल्यू आप सर्किट में देखो 100 हो गई, तो आंसर आ गया 400 वाट। तो मेरे ख्याल से बच्चों अब तो बहुत अच्छे से आ गया होगा आपको, CR आ गया आपको, LCR सर्किट आ गया, अब आगे देखते हैं और क्या मिलेगा। LCR आप पढ़ाओ, ठीक है ना, आ जाओ, चलो पहली बार आपको मौका मिल रहा है पढ़ाने का। तो अब LCR में क्या करना चाहिए, याद करना चाहिए क्या, नहीं, हम बनाएंगे फेजर, तो वो आपके सामने है, VR इधर आ गया, VL इधर आ गया, VC इधर आ गया, इन दोनों में हो गई लड़ाई, ठीक है ना, ये कहता है मैं भारी, ये कहता है मैं भारी, अब हमें देखना पड़ेगा इनमें से कौन किसका वैल्यू ज्यादा है। सपोज करो VL ज्यादा मिला, तो ये इधर जाएगा VL-VC, और हम बोलेंगे कि नेट वोल्टेज लीड कर रहा है करंट से, ठीक है ना, और ये ज्यादा मिल गया तो हम बोलेंगे लैग कर रहा है, यानी यहाँ, और अगर दोनों सेम फेज में मिल गए तो ना लीड कर रहा है ना लैग कर रहा है, सर्किट इज इन रेजोनेंस। तो यहाँ पर एक तीर से तीन निशाने लगेंगे, लीड भी करा सकते हो, लैग भी करा सकते हो, और सेम फेज में लाके रेजोनेंस भी करा सकते हो, तो रेजोनेंस वाला सर्किट भी हमारा तैयार हो जाएगा, वो आगे हम देखेंगे। फिलहाल मैंने मान लिया कि यहाँ पर VL लीड कर रहा है, तो ये इस तरीके से आ गया, ये नेट वोल्टेज हो गया, आप कुछ रट्टा तो मारना नहीं है इसके अंदर, हम पाइथागोरस और अपना टेन थीटा का फॉर्मूला, पाइथागोरस से नेट आ गया हमारे पास, और Z के लिए हमने इम्पिडेंस का फेजर ले लिया, यहाँ से Z आ गया 10 डेल्टा फाई, कॉस डेल्टा फाई आपके सामने ही है, कुछ याद करना नहीं है, फेजर बनाना है, राइट एंगल ट्रायंगल सॉल्व करना है। एवरेज पावर, एवरेज पावर की हमने किस्मत खराब कर रखी है, एवरेज पावर का फॉर्मूला अपना IRMS स्क्वायर आर, या फिर VRMS बाय जेड का होल स्क्वायर इंटू आर, तो ये पूरे चैप्टर में फिक्सिंग हो गई हमारी, ठीक है ना, कि एवरेज पावर के लिए हमें कुछ नया काम नहीं करना, ठीक। तो ये भी बहुत बड़ा काम था कि एवरेज पावर के लिए हमने एक सर्टेन गाइडलाइन सेट कर दी कि भाई इसी तरीके से हम एवरेज पावर निकालेंगे, इसमें औच पहुँच होने की जरूरत नहीं। अब सवाल, अब प्रॉब्लम पहला ये रहा, ठीक है ना, एल है, सी है, आर है, नेट वोल्टेज है, फ्रीक्वेंसी है, एमिटर की रीडिंग पूछी गई है, और अपना पेटेंटेड एवरेज पावर, आओ उड़ाओ। तो सबसे पहला काम इम्पीडेंस का फेजर बनाते हैं, ठीक है ना, उसके लिए हमें एक्सएल चाहिए होगा, एक्सएल फॉर्मूला ओमेगा एल, ओमेगा 2πf विच इज 100π। अब तो रटना शुरू हो चुका, मैंने कहा ना सवाल करते जाओ और फिर याद होता जाए ना तो मजा अलग है, याद करके सवाल करो तो फिर कहानी अलग होती है, ठीक है ना, फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज होता है।
तो ओमेगा की जगह आ गया बेटा 100 पाई, एल की जगह 1 बाय पाई, ये ज़्यादा लंबा खिंच गया, इसको हटाओ इधर से और सीधे सीधे लिखो 100 ओम। एक्स सी 1 बाय ओमेगा सी, ओमेगा की जगह 100 पाई, 50 बाय पाई, और माइक्रो ऊपर जाके 10 की पावर 6 हो गया, ठीक है ना, पाई से पाई निकल गया। अब आंसर कितना आया ऊपर, अगर आप एक्सपैंड करोगे तो 10 की पावर 6 तीन डिजिट जाएगी, आंसर आएगा 200। तो एक्स सी का वैल्यू 200 ओम। अब बस यहीं से हमें पता चल गया कि एक्स सी एक्सएल से ज्यादा है, इसका मतलब नेट नीचे की तरफ आएगा, यानी लीड नहीं करेगा, वोल्टेज लैग करेगा, ठीक है ना। अब आर की वैल्यू तो बेचारे शराफत से दे रखी है उसने, कितना 100 ओम। अब क्या करना चाहिए, फेजर बनाते हैं। तो इधर आया करंट, यहां पर आया हमारे पास रेजिस्टेंस जिसका वैल्यू हो गया 100 ओम, यहां पर आया मेरे पास, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ एक्स सी माइनस एक्सएल, ठीक है ना, एक्स सी माइनस एक्सएल किया, डायग्राम देखो, और एक्स सी माइनस एक्सएल करने पर भी 100 हो गया। ये यहाँ का जेड हो गया, जेड की वैल्यू 100√2, मतलब कुछ करना ही नहीं पड़ रहा, और जो बेचारा रटने वाला होगा वो रट रट के दुखी होगा कि यार बहुत कुछ है एसी के अंदर, जबकि एक अक्षर का याद करने का कुछ नहीं है, बस फेजर डायग्राम ग्रिप में होना चाहिए। अब डेल्टा फाई, तो बेटा डेल्टा फाई की वैल्यू हमारे पास आ गई 45 डिग्री, है ना। अब क्या क्या पूछा है, आ जाओ, तो हमें रीडिंग निकालनी है, तो वी इज इक्वल टू आई जेड से निकाल देते हैं। तो वी नेट इक्वल्स टू आई इंटू जेड, वी नेट की वैल्यू 200 हो गई, आई आरएमएस हो गया, और जेड का वैल्यू 100√2, तो ये तो यहां से गया, और आई आरएमएस का वैल्यू हमें मिल गया 2 एम्पेयर। तो हमने एमीटर की रीडिंग निकाल दी 2 एम्पेयर। अब ये गरीब सी पावर आप निकाल लेना, मेरी जरूरत ही नहीं है, बट फिर भी चल रहा है तो चलने देते हैं। तो एवरेज पावर कौन सा फॉर्मूला पसंद करोगे, आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर, आई आर एम एस का स्क्वायर हो गया 2 एंड आर देखो 100, आंसर आ गया 200 वाट। मेरे ख्याल से इससे आसान तरीका आपके पास भी नहीं होगा। तो ये हम लोगों ने उड़ा के रख दिया एलसीआर सर्किट, मेरे ख्याल से अब आप भी उड़ा सकते हो, उड़ के मत चले आना इसके अंदर। अब मैं चलता हूँ आगे, देखते हैं अब क्या है हमारे पास। हाँ ये देखो, अब ये अपनी स्कीम खुद ही बता रहा है, ठीक है ना, कि भाई मेरे को वोल्टेज का फेजर बनवा लो। चेक करो, यहाँ पर कैपेसिटर का वोल्टेज 100 है, इंडक्टर का 400 है, तो अब इंडक्टर लड़ाई जीत गया, आ जाओ बनाओ भाई फेजर। तो आई ये रहा, यहाँ वी आर हो गया, वी आर का वैल्यू मेरे पास कितना 400। अगर आप इसका ना टेस्ट लगा लेंगे और टेस्ट के सॉल्यूशंस देख लेंगे, अगर इनके सटके तो आप एसी जीवन में नहीं भूलोगे, ठीक है ना, ऐसा एसी समझ आ जाएगा कि आप एसी ही एसी, आप भगवान से यही प्रार्थना करोगे यार 2 4 5 10 सवाल एसी से आ जाए, आएंगे नहीं, एक ही आएगा, ठीक है वो अलग बात है, पर आपका एसी वाला टॉपिक बहुत ज़बरदस्त स्ट्रांग हो जाएगा। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करो टेस्ट जो मैं देने वाला हूँ, ठीक है ना। तो वी आर हो गया 400, चलो वी एल माइनस वी सी ऊपर आया, और इसका वैल्यू मेरे पास हो गया 400 माइनस 100, दैट मीन्स 300। ये हमारे पास नेट वोल्टेज हो गया, और इस नेट वोल्टेज की वैल्यू 300 400, तो ये तो 500 आ गया। डेल्टा फाई हमारे पास आ गया, एंड डेल्टा फाई का वैल्यू हमारे पास 3/4 के हिसाब से बन गया 37 डिग्री। अब करना क्या क्या है, नेट वोल्टेज निकालना है, वो तो आ गया, एमीटर की रीडिंग हमें पता ही है, अब जेड चाहिए हमें, तो जेड की वैल्यू वी इक्वल टू आई जेड से आ जाएगी, आर की वैल्यू तो वो वी इज इक्वल टू आई आर से आ जाएगी। मेरा कोई मूड नहीं है सवाल को करने का, एवरेज पावर खुद कर लेना, कौन सा फॉर्मूला ज़्यादा आसान रहेगा, आई स्क्वायर आर कर लो एवरेज पावर, हाँ पर उसके लिए पहले आर का वैल्यू आप निकालोगे। तो मेरे ख्याल से बेटा अब आपको अच्छे से आ जाना चाहिए कि किस तरीके से हम लोग एसी के अंदर चलते हैं। अब मैं हाँ, पर आप छोड़ोगे नहीं, आपको ये पूरा कैलकुलेट करना है। अब मैं नेक्स्ट आपको दिखाता हूँ रेजोनेंस का, बट उससे पहले एक ये आ गया नीट 2018। अब ये प्रॉब्लम हाईली कैलकुलेटिव था, और इस प्रॉब्लम के अंदर कैलकुलेशन को बड़ी खूबसूरती से मैनेज करना है, तब आंसर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। आप दिखाता हूँ मैं आपको, कह रहा है इंडक्टर, ये कहानी कहानी कर रहा है, इंडक्टर दे रखा है 20 mH उसका कोफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कैपेसिटेंस 100 μF एंड रेजिस्टेंस 50 ओम। तो पहला काम LCR सर्किट है, XL, XC और R निकालो, वो मैंने निकाले हुए हैं। XL आ गया 2 πΩ, XC हमारे पास आ गया 100/π। अब कौन लड़ाई जीता पहले वो देखना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली फिर ये बड़ा है और ये वाला वैल्यू जो है 2π का वैल्यू वो छोटा है, ठीक है ना, कैसे वो खुद चेक कर सकते हो, पाई की जगह 3 डाल रहो, तो ये आई थिंक 33.33 बनेगा और ये 6 पॉइंट, तो XC का वैल्यू XL से ज़्यादा हो गया। अब फेजर बनाते हैं,
तो यहाँ पर और पूछा क्या है सवाल के अंदर, कैलकुलेट। देखो यही कहा ना मैंने, वही बोला आपसे, जो पूछेगा वो एवरेज पावर ही होगा और कहीं दाएं बाएं वो भटकता ही नहीं। किसकी इक्वेशन दे बैठा है? वोल्टेज की। करंट की देता तो इसमें इतने में हम सोचते भी नहीं, आई स्क्वायर इंटू आर करके उड़ा के चल देते, पर यहाँ पर उड़ाने का मौका नहीं है क्योंकि वोल्टेज है। तो पहले हम निकालेंगे अपने हिसाब से करंट का वैल्यू, ठीक है ना। चलो देखो आप, तो आई ये हो गया बेटा और इधर साइड आ गया मेरे पास आर। आर का वैल्यू, आर का वैल्यू क्वेश्चन में 50 ओम। यहाँ पर आ गया मेरे पास एक्स सी माइनस एक्स एल। एक्स सी का वैल्यू इज 100/पाई एंड एक्स एल का वैल्यू इज 2π। सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब यहाँ सिंप्लीफिकेशन में बहुत स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है, ध्यान से देखना। तो ये इधर गया तो बना 100 - 2π² / π। अब पाई स्क्वायर को हम 10 ले लेते हैं तो ये बन गया बेटा 20। तो आंसर बना 80/π, ठीक है ना। तो मेरे पास एक्स सी माइनस एक्स एल का वैल्यू आ गया 80/π। अच्छा जी, अब ये हो गया हमारे पास जेड। तो पहले हम जेड का वैल्यू निकालते हैं, डेल्टा फाई की हमें ज़रूरत नहीं, क्यों पंगे लें। तो जेड का वैल्यू हो गया अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करने से पहले 10 को रूट से पकड़ो और बाहर निकालो, ठीक है ना, आधी मुसीबत खत्म। इसका स्क्वायर हो गया 25, इसका हो गया बेटा 64, नीचे आ गया पाई स्क्वायर। अब बड़े संभाल के मैनेज करना है, ध्यान से देखना। तो z का बेटा वैल्यू आ गया अंडर रूट ऑफ पाई स्क्वायर को हम इसके साथ एलसीएम में लेते हैं 10 बना करके, तो 250 + 64/π²। देख रहे हो ना कैसे खेल चल रहा है कैलकुलेशन का। z की वैल्यू हमारे पास है, इतना आपको प्रैक्टिस हो जाएगी अगर आप टेस्ट कर गए तो। 250 + 64 = 314 बाय पाई स्क्वायर, ठीक है ना। अब आपको सर चल के आ रहा है ये, तो 314 फिर से आ गया। अब 314 को लिखेंगे हम 100π, ठीक है ना। तो z की वैल्यू आई कितनी आई, 100π / π² दैट मीन्स अंडर रूट ऑफ 100/π। और बाहर ये बेचारा 10 चुपचाप से बैठा हुआ है, इंतजार कर रहा है, पढ़ा रहने दो इसको। अब हमें निकालना है क्वेश्चन में एवरेज पावर। अब हम फॉर्मूला आई का तो पंगा लेने नहीं वाले कि वी दे रखा है, जेड दे रखा है, तो हम आई निकालें। वी आर एम एस स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर इंटू आर से भी तो आंसर आएगा, तो उससे निकाल लेते हैं। तो देखो, तो एवरेज पावर वी आर एम एस डिवाइडेड बाय जेड का होल स्क्वायर टाइम्स आर। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो वी आर एम एस की वैल्यू हो गई 10/√2, तो स्क्वायर होकर के बना 100/2, है ना। जेड स्क्वायर स्क्वायर होकर के बना 100/π × 100। और इधर आ गया बच्चों आर। आर की वैल्यू क्वेश्चन में हमारे पास थी 50 ओम। चलो भाई 50 तुम इधर लगो, 100 से एक 100 गया, 50 से ये उड़ गया, इधर 2 आ गया, तो एवरेज पावर आ गया π/4। अब हम बिल्कुल आंसर के नज़दीक पहुंचे, तो बच्चे इतने खेल तक पहुंच ही नहीं पाते, क्यों? क्योंकि उनकी प्रैक्टिस ही नहीं है, ठीक है ना। इसलिए नीट का ये सवाल उनके लिए बहुत हार्ड हो जाता है। बट अगर आप ऐसे चले जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई, आपका एसी का सवाल कभी नहीं अटकेगा। आप देखो कैसे खटाखट 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 कैलकुलेशन मैंने ख़त्म कर दी है। अब पाई की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, 3.14 / 4 और एवरेज पावर की वैल्यू आ गई 0.79 वाट। ऑप्शन आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर हमारे पास डी करेक्ट हो गया। तो ये था 2018 का प्रॉब्लम जो बहुत से बच्चों को सोल्यूशन के बाद भी नहीं समझ आया होगा, पर अब मेरे ख्याल से अच्छे से आ गया होगा, पर अभी नहीं, अभी आपको आ गया ऐसा आपको लग रहा है। बट जब तक आप ये रास्ता फॉलो नहीं करोगे, खुद से नहीं भिड़ोगे, तब तक ये सवाल से लड़ाई नहीं जीत पाओगे। तो आपको अब क्या करना है, पहले इसे खुद से ट्राई करना है, फिर आपने सोल्यूशन देखना है इसका जो मैंने अभी बताया, फिर आप आगे मूव करोगे, ठीक है। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट लेवल पर। देखो सीरीज एलसीआर सर्किट, ये तो हम सीख चुके हैं, इसको क्यों देख रहे हैं। रेजोनेंस के कंसेप्ट को देखते हैं। देखो रेजोनेंस में क्या होता है, रेजोनेंस में एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर सर्किट का करंट मैक्सिमम हो जाता है, और जब ऐसा होता है तो ये पूरी कहानी मैंने लिख दी। तो एक्सएल एक्ससी के बराबर होता है, ना कोई लीड करता है ना कोई लैग करता है। वीएल वीसी के बराबर होता है, नेट वोल्टेज वीआर के बराबर होता है, और जेड की वैल्यू आर के बराबर होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। अब इसे मैं सर्किट से दिखा देता हूँ। और जब एक्सएल एक्ससी के बराबर होता है तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट आती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 1/√LC, और फ्रीक्वेंसी आती है एलसीआर सर्किट की 1/2π√LC। अब आ जाओ मेन डायग्राम पर। देखो तो रेजोनेंस की पहचान क्या है, एलसीआर में करना क्या है, एक्सएल और एक्ससी में देखना कौन लड़ाई जीत रहा है। अगर एक्सएल और एक्ससी बराबर हो गए तो अब सीधे सीधे गारंटी हो गई सर्किट इज इन रेजोनेंस। वीएल वीसी बराबर हो गया तो इन दोनों का वोल्टेज जब आपस में बराबर हो गया
तो अगर हम यहाँ एक वोल्टमीटर लगाएं जो एल और सी के ऊपर लगाया है, तो ये इन दोनों का नेट वोल्टेज बताएगा, और एल और सी का नेट वोल्टेज हो गया वीएल माइनस वीसी, दोनों बराबर हो गए, तो ये जीरो हो गया, यानी इस वोल्टमीटर की रीडिंग जीरो हो जाएगी, ऐसा कंसेप्चुअल में पूछा जाता है। अब ये जीरो हो गया तो ये जो नेट वोल्टेज है ये वी आर के बराबर ही बचा, यानी यहाँ का वोल्टेज दिया या यहाँ का वोल्टेज दिया एक बात बराबर है, ठीक है ना, अलग अलग नहीं है। तो वी नेट की वैल्यू वी आर के बराबर हो जाएगी एंड जेड की वैल्यू आर के बराबर हो जाएगी। ऐसा होने पर सर्किट का करंट मैक्सिमम हो जाएगा, और उस मैक्सिमम करंट को आप वी बाय जेड से निकाल सकते हो या वी इज इक्वल टू आई जेड से निकाल सकते हो, और वी नेट की वैल्यू किसके बराबर है वी आर, और जेड की वैल्यू किसके बराबर है आर, वहां से हमारे पास आई मैक्स की वैल्यू आ जाएगी, एवरेज पावर उसने तो वही रहना है, आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर या फिर वी आर एम एस बाय जेड का होल स्क्वायर इंटू आर। तो एक ही तरीके से इसका सवाल कंप्लीट होता है, और वो तरीका आपके सामने, पहचान अच्छी तरह कर लो कि रेजोनेंस के अंदर वोल्टेज ऑफ इंडक्टर और कैपेसिटर या एक्सएल एक्सी बराबर होते हैं। अब इसमें सवाल की ज़रूरत है वो मैं आगे आपको दिखाता हूँ, बट कुछ छोटे मोटे ग्राफ है, ठीक है ना, उन ग्राफ तक जाने से पहले अच्छा ये पूरी समरी है एक बार देख लो। तो V1 V2 बराबर होंगे, V12 का वैल्यू हमारा जीरो के बराबर होगा, V3 का वैल्यू V नेट के बराबर होगा, ठीक है ना। अच्छा तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ लिख दी, आप एक बार इसको रीड आउट कर लेना, देख लेना अच्छे से, फिर आगे बढ़ना। अब नेक्स्ट देखो क्वालिटी फैक्टर। अब क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर हमें ये बताता है कि शार्पनेस कैसी है, मतलब ग्राफ अपने पीक को कितनी जल्दी अचीव करता है। अब जितना ग्राफ नैरो रहेगा, ठीक है ना, हम बोलेंगे क्वालिटी फैक्टर उतना अच्छा है। तो क्वालिटी फैक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बैंडविड्थ, तो बैंडविड्थ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब बैंडविड्थ क्या बीमारी होती है, इसके लिए आपको मेन ग्राफ पर चलना पड़ेगा। बैंडविड्थ, बैंडविड्थ उन एंगुलर फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होता है, ठीक है ना। अब यहां भी मैंने रिप्रेजेंट नहीं करा हुआ, तो मैं एक काम करता हूं, मैं आपको अलग से रिप्रेजेंट करके दिखाता हूं कि बैंडविड्थ किसको बोलते हैं, देखना बेटा। तो आई वर्सेस ओमेगा का हमारा ग्राफ ऐसा है, तो बैंडविड्थ उन फ्रीक्वेंसीज के डिफरेंस को बोला जाता है। तो जैसे ये ओमेगा वन, ये ओमेगा टू, तो ये डिफरेंस बैंडविड्थ कहलाएगा जब करंट मैक्सिमम करंट का 1/√2 हो जाएगा। तो जब सर्किट का करंट मैक्सिमम करंट का 1/√2 होना शुरू हो जाता है, तब हम बोलते हैं हमारा सर्किट अब रेजोनेंस के करीब पहुंचने वाला है, और इन दोनों फ्रीक्वेंसीज के डिफरेंस को हम बोलते हैं क्या, बैंडविड्थ। और ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ये फ्रीक्वेंसी कहलाती है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। अब जितना जितना ये डिफरेंस कम होगा, हम बोलेंगे हमारे सर्किट की शार्पनेस उतनी बढ़िया है, ठीक है ना, उतना अच्छा वो रेजोनेटिंग सर्किट है। क्यों, क्योंकि वो अपनी वैल्यू एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर, बहुत कम रेंज के अंदर एक्वायर करेगा। तो किसी भी सर्किट का क्वालिटी फैक्टर उसके बैंडविड्थ से डिसाइड किया जाता है, जितना बैंडविड्थ कम होगा क्वालिटी फैक्टर शार्पनेस उतना ज़्यादा होगा। अब इसी चीज़ को मैंने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया, तो मैंने यहाँ तीन ग्राफ बनाए, 1, 2, 3। आप देख रहे हो जैसे जैसे हम इन तीन की तरफ मूव कर रहे हैं ग्राफ नैरो होते चले जा रहे हैं, जितना नैरो होगा उतना उसका बैंडविड्थ कम होगा और उसका क्वालिटी फैक्टर उतना ज़्यादा होगा। क्वालिटी फैक्टर का फाइनल रिजल्ट मैंने इधर निकाला, वीएल और वीसी यानी इंडक्टर और कैपेसिटर का वोल्टेज, क्योंकि दोनों हैं तो बराबर, वी नेट और वी आर का वोल्टेज, फाइनल रिजल्ट ये आया। तो क्वालिटी फैक्टर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है, तो सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू जितनी कम होगी सर्किट का क्वालिटी फैक्टर उतना ज़्यादा होगा। तो ये पूरा का पूरा सीरीज एलसीआर रेजोनेंस का कंसेप्ट होता है। अब कुछ छोटे मोटे ग्राफ देखो, मान लो एक्सएल वर्सेस ओमेगा का ग्राफ पूछे, तो ये तो बहुत ही आसान है, ये स्ट्रेट लाइन बनेगा, स्लोप इसका एल के बराबर होगा। एक्ससी वर्सेज ओमेगा का ग्राफ देखोगे तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जाएगा। एक्सएल माइनस एक्ससी, तो एक्सएल माइनस एक्ससी वर्सेज ओमेगा का ग्राफ, तो पहले एक्सएल ये रहा, एक्ससी ये रहा, तो ये वो फ्रीक्वेंसी है जहाँ एक्सएल और एक्ससी आपस में नियरली सेम हो रहे हैं। ये दोनों जब एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तब हम बोलेंगे ये पर्टिकुलर पॉइंट पर रेजोनेंस हो रहा है। अब इनका ओवरऑल अगर हम ग्राफ बनाएं तो वो ग्राफ ऐसा बनेगा कि इससे पहले एक्ससी ज़्यादा होगा तो ग्राफ निगेटिव से स्टार्ट होगा, यहाँ वो इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को, क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक्सएल और एक्ससी का वैल्यू बराबर हो गया, नेट वैल्यू जीरो हो गया, फिर ये पॉजिटिव की तरफ चला जाएगा, ये इंडिकेट करेगा कि इस रीजन में एक्सएल इज ग्रेटर दैन एक्ससी, ठीक है ना। तो ये कुछ छोटे मोटे ग्राफ है जो आपको याद रखने हैं, आ जाए तो सीधे टिक मार के चलना है। अब प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम ये रहा, जब भी आप एलसीआर देख रहे हो एक्सएल और एक्ससी पर नजर रखो, तो देखो एल और सी के वोल्टेजेस बराबर है,
तो ये पूरा इनविटेशन कार्ड छपवा के दे रखा है कि भाई सर्किट इज इन रेजोनेंस। अब हम सब कुछ अच्छी तरह जानते हैं, आर हमें दे रखा है, वी नेट हमें दे रखा है, फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है, पूछा क्या है, रीडिंग ऑफ एमिटर एंड वोल्टमीटर, एमिटर और वोल्टमीटर, वोल्टमीटर यानी इसकी रीडिंग, तो इसकी रीडिंग तो बकवास है, इसके बराबर होगी। अब एमिटर की रीडिंग निकालनी है तो हमने यूज किया वी इज इक्वल्स टू आई जेड, जेड जो है वो आर के ही बराबर है क्योंकि सर्किट रेजोनेंस के अंदर है, वी वी की वैल्यू हो गई 220, आई हमें निकालना है, आर की वैल्यू हो गई 100, यहां से आई की वैल्यू बेटा हमारे पास आ गई 2.2 एम्पियर। तो 2.2 एम्पियर इस एमिटर की रीडिंग हो गई या फिर सर्किट का आरएमएस करंट हो गया, ठीक है ना, और वोल्ट मीटर की रीडिंग मैंने डायरेक्ट बता दी। मतलब आप ये देखो, ये सवाल में तो फेजर की भी जरूरत नहीं है, ये और ज्यादा आसान हो जाता है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखना, नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा ये रहा जिसमें हमें दे रखे हैं एल सी और आर के सेपरेट वैल्यू। अब क्वेश्चन में क्या पूछा वो देखो, फाइंड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, इससे फ्री का सवाल आपको क्या चाहिए, वो फ्रीक्वेंसी बताओ जिस पे करंट मैक्सिमम हो। तो वो निकालने का तरीका 1/2 पाई √LC, तो मैंने सीधे सीधे फॉर्मूला यूज किया, इसको कैलकुलेट किया। अच्छा ये जो 8π है ना, ये भी कैलकुलेशन टूल है, ये भी ध्यान रखना, 8π का वैल्यू जब मल्टीप्लाई करोगे तो 25 के आसपास मिलेगा। तो फ्रीक्वेंसी आ गई 10^8/25, 100/25 यानी 4 × 10^6। ये कैलकुलेशन को आसान करने का तरीका है, फ्रीक्वेंसी आ गई। अब क्या निकालना है, करंट एम्पलीट्यूड यानी पीक वैल्यू ऑफ करंट की वैल्यू निकालनी है। तो पीक वैल्यू निकालना है तो पहले हमने आरएमएस वैल्यू निकाला, कैसे, वी बाय जेड करते हुए। तो वी बाय जेड किया, जेड हमारा आर के बराबर ही है क्योंकि रेजोनेंस की बात चल रही है। तो यहां से हमारे पास करंट की वैल्यू आ गई, आरएमएस करंट की वैल्यू आ गई 5, हमें पीक वैल्यू चाहिए यानी उसका एम्पलीट्यूड चाहिए, तो I0/√2 डाल के हमने I0 निकाला, आंसर आ गया 5√2 एम्पीयर। तो आसान है, बल्कि रेजोनेंस वाला पार्ट और ज्यादा आसान है क्योंकि इसमें फेजर भी नहीं बनाना पड़ रहा हमें। अच्छा नेक्स्ट देखो, इस प्रॉब्लम को वरदान मिला हुआ है, ठीक है ना, वरदान इसलिए मिला हुआ है, पता नहीं कितनी बार ये IIT से लेके मेडिकल में धक्के खा रहा है और हो सकता है आपको नीट एग्जाम में एज इट इज मिल जाए। कहता है जीरो फ्रीक्वेंसी और इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी पर LCR में करंट बताओ, इससे फ्री का कोई सवाल नहीं मिल सकता। जीरो फ्रीक्वेंसी, अब अगर फ्रीक्वेंसी जीरो होगी, अभी आपने करंट का ग्राफ देखा था, है ना, वो ग्राफ ऐसा चल रहा था आई वर्सेज ओमेगा का, खुद ही सोच लो, जीरो फ्रीक्वेंसी पर करंट जीरो है, इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी पर भी करंट जीरो है, ठीक है ना, तो ये आई वर्सेज ओमेगा है। अगर मान लो कोई कहता है जेड वर्सेज ओमेगा का ग्राफ बनाओ, तो इंपेडेंस वर्सेज ओमेगा का ग्राफ उल्टा बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि जेड की वैल्यू उसमें मिनिमम हो जाती है, ठीक, तो ये उल्टा चलेगा। फिलहाल अब ये कैसे जीरो और इन्फिनिटी पर हम निकालेंगे उसका रास्ता सुनो, जब ओमेगा जीरो हो जाएगा तो XL की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अब रेजिस्टेंस जीरो हो गया तो हम उसे वायर से रिप्लेस करेंगे, बट XC की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी यानी कैपेसिटर ओपन सर्किट बन जाएगा। तो जीरो फ्रीक्वेंसी पर इंडक्टर तो वायर बन गया बट कैपेसिटर ओपन हो गया, ओपन हो गया तो करंट जीरो हो गया। सिमिलरली इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी पर अब XL इनफाइनाइट हो जाएगा और XC का वैल्यू जीरो हो जाएगा, यानी इंडक्टर को हम ओपन कर देंगे और कैपेसिटर को हम वायर से रिप्लेस करेंगे तो करंट का वैल्यू जीरो आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से अब आपको AC बहुत आराम से समझ आ गया होगा, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दूंगा, उसको आप प्रैक्टिस करना। तो ये वो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो आपको EMI और AC वाले टेस्ट से प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है ना, अगर बहुत अच्छा प्रैक्टिस करना है तो आप पूरे टेस्ट को सॉल्व कर लेना, लापरवाही मत करना क्योंकि चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, इसलिए मैंने क्वेश्चन भी अच्छे खासे रखे हैं, ठीक है ना, सब सिलेक्टिव क्वेश्चंस है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग देखने जाएंगे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का, जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे, दो पार्ट में रहेगा, सबसे पहले कैलोरीमेट्री, हीट ट्रांसफर वाले टॉपिक करेंगे, फिर KTG और थर्मोडायनेमिक्स। थैंक यू सो मच।